हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? क्लास 10th सीबीएसई केमिस्ट्री के लिए पूरी सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज जो हमारा टॉपिक है यहां से हम स्टार्ट करेंगे, और एक सर्टेन मेथोडोलॉजी के हिसाब से ही हम लोग अपना काम करने वाले हैं। आज पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रिलेटेड विद द सीबीएसई क्लास 10th। तो लगातार आप देखते रहेंगे, बहुत बढ़िया सब चीजें मैं करने वाला हूं इसके अंदर। टॉपिक है हमारा आज का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ सिलेबस फॉर 10th सीबीएसई केमिस्ट्री। माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल, और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और ये मैं पूरा का पूरा सीरीज लेके आ रहा हूं, पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं। आप बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड, डिफरेंट एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और सभी टॉपिक को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज में आप सभी लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। बीइंग अ स्टूडेंट, आप लोग बहुत ही एंजॉय करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने काम को। चैप्टर का नाम जैसे आप जानते हैं, यहां पर मैंने लिखा है केमिस्ट्री क्लास 10th, चैप्टर 1 स्टार्ट करने, और चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज के टॉपिक्स हम लोग इसमें क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, विच आर द टॉपिक्स फॉर टूडे। एवरी टाइम आई एम गोइंग टू दिस गिव यू अ काइंड ऑफ लिस्ट। आज सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज। आपकी बुक के अंदर 1.1, 1.2, 1.3 इन तीनों एक्टिविटीज को हम अच्छे डिटेल में समझेंगे, विद रिस्पेक्ट टू केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। साथ में हम लोग कुछ एक नया सा टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल। तो यहां पर आपको एक बेसिक स्टार्ट मिलेगा, और लगातार आपको क्लासेस मिलती चली जाएंगी। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, सब चीजें बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल और फिजिकल चेंजेस के बारे में आपको क्लास 9th में या क्लास 8th के अंदर अच्छे से बताया जाता है कि व्हाट डज मीन बाय फिजिकल चेंज एंड व्हाट डज मीन बाय केमिकल चेंज। तो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल चेंजेस एक्चुअली इन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस। तो उन्हीं सब चीजों को, बहुत सारे एरिया हैं जहां पर हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे रेस्पिरेशन के बारे में बात करें, रेस्पिरेशन जो लगातार लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलने वाला एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो वो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत ही जरूरी है। तो रेस्पिरेशन भी एक तरीके का केमिकल चेंज है, हमारी बॉडी को एनर्जी इसी के थ्रू मिलती है। कुकिंग ऑफ फूड के बारे में बात करें, कुकिंग ऑफ फूड, तो कुकिंग ऑफ फूड भी एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस के लिए अगर मैं जनरल आपसे बात करता हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल प्रोसेस में सभी प्रोसेस हैं जिनको आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक पहुंचने के बाद आप वापस उसी फॉर्म में, सेम कंडीशन में नहीं ला सकते। तो जैसे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, जैसे आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो दे आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल इफ यू थिंक अपॉन कि बहुत सारे चेंजेस आपके एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप की। अगर आप प्रोसेसेस के बारे में सोचते हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ केमिकली चल रहा है। इतनी सारी मेडिसिन लेकर जो हम लोग बात करते रहते हैं, दे आर मेड बाय केमिकल प्रोसेसेस। तो डिफरेंट टाइप की चीजें हम लोग इसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले, सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका जो माना जाता है कि हम कुछ सर्टेन एक्टिविटीज को समझ रहे हैं, और उन्हीं एक्टिविटीज के हेल्प से हम आगे टॉपिक को थोड़ा एडवांस लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी तीनों की तीनों एक्टिविटीज 1 by 1 स्टार्ट कर रहे हैं, और इन्हीं एक्टिविटीज को लेकर मैं सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करते जाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सी एक्टिविटी 1.1, बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग मैग्नीशियम रिबन, वी आर टेकिंग मैग्नीशियम रिबन होल्डिंग विद अ टोंग, एंड वी आर बर्निंग इट विद द हेल्प ऑफ इधर अ बर्नर, बंसन बर्नर को यूज कर सकते हैं, या फिर आप स्पिट लैम्प को यूज करते हैं। एज सून एज ये जो मैग्नीशियम रिबन बर्न होना शुरू होगा, इट विल रिलीज एशेज। ये एशेज को आप कलेक्ट करेंगे एक किसी डिश के अंदर, और यहां पर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की एशेज मिलने वाली हैं। तो दिस इज अ जनरल काइंड ऑफ एक्टिविटी। अब यहां से इन पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के रेफरेंस में। तो देखिए क्या होने वाला है,
यहां पर हम लोगों ने बोला सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम रिबन जो 3 to 4 मैग्नीशियम Mg इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ का होना चाहिए, इट शुड बी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा तो आप उसको अच्छे से टोंग की हेल्प से होल्ड कर पाएंगे। दूसरी बात, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बाय यूजिंग सैंड पेपर। अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि सैंड पेपर होता है उससे हम अच्छे से रब कर देते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं मैग्नीशियम रिबन को, उसके बाद ही हम इसको यूज करते हैं। आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं केमिकल प्रोसेसेस को बताने के लिए। नॉर्मली मैं ये बोल सकता हूं कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं नॉर्मली क्या बोल रहा हूं कि मैग्नीशियम इज बर्निंग विद ऑक्सीजन एंड गिविंग मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग एंड प्रोड्यूसिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, स्टेटमेंट यहां पर जो हम लिख रहे हैं ये एक डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा, एक तरीके से हमने पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक से पूछते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, ठीक क्लिक करेंगे अगर हम मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग तो हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसा स्टेटमेंट अगर लिख रहे हैं तो एक तरीके से हम लोगों ने अपने केमिकल प्रोसेस को डिस्क्राइब किया है, लेकिन ये मेथड काफी लंबा सा मेथड माना जाता है, ऐसा लगता है कि बड़ा लंबा जैसा हमने कुछ लिख दिया। दूसरा एक और इसमें पॉइंट है कि अगर हम इस पूरे पॉइंट को सिंबलाइज करके लिख दें, लाइक मैग्नीशियम को मैं Mg लिख दे रहा हूं, मैग्नीशियम को, चलो सिंबल की बात आगे करते हैं, मैग्नीशियम को मैं लिख रहा हूं मैग्नीशियम इज बर्निंग विद ऑक्सीजन, तो मैंने प्लस करके लिख दिया ऑक्सीजन, प्लस करके मैंने लिखा ऑक्सीजन, एंड गिविंग प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक ये भी मेथड है आपको केमिकल चेंज को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन यहां इस मेथड के अंदर भी एक प्रॉब्लम हम लोगों को नॉर्मली दिखाई देती है। प्रॉब्लम क्या दिखाई देती है, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल हो गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, लेकिन यहां पर हम लोगों ने इक्वेशन तो बनाई, एरो तो लगाया, इक्वेशन वगैरह बनाकर हमने बताया बेसिकली कि ये जो एरिया है यहां पर वे रिएक्टेंट्स, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स आर दोस केमिकल स्पीसीज, इनको क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट्स, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्मली लिखे जाते हैं, मैंने डाउनवर्ड लिख दिया इसको, और इनको हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो भी बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका बना। लेकिन इस फॉर्म में भी एक प्रॉब्लम है कि हमने काफी सारे वर्ड्स यूज किए, काफी टाइम कंज्यूम किया, इसीलिए इस तरीके की फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन, यानी बेसिकली मैंने अपने केमिकल चेंज को एक वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में बताया। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है बेटा कि अगर हम इनके सिंबल्स केमिकली जानते हैं, ठीक ठीक से समझना, मुझे पता है आप लोगों को काफी नॉलेज है लेकिन फिर भी बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए। हम लोगों को मान लिया इसके सिंबल्स पता है, जैसे मैग्नीशियम को हम लोग बोलते हैं Mg, ऑक्सीजन को मॉलिकुलर फॉर्म में बोला जाता है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO, तो ये काफी सिंपल दिखाई दे रहा है, यानी ये फॉर्म जो आपको दिखाई दे रही है समय पर काफी कंफर्टेबल जैसा लग रहा है, लेकिन ये रिएक्शन अभी बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन तो 2 है, ऑक्सीजन 1 है,
ऑल्दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए. क्यों सेम होने चाहिए? क्योंकि लॉ ऑफ मास सेक्शन, क्लास नाइन्थ में पढ़ा है ना, लॉ ऑफ मास सेक्शन हमेशा एप्लीकेबल रहता है किसी भी केमिकल प्रोसेस में. लॉ ऑफ मास सेक्शन मतलब वेट ऑफ रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द वेट ऑफ प्रोडक्ट, है ना. तो उस लॉजिक से रिएक्शन को बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है. इस तरीके की रिएक्शन जो कि अभी बैलेंस नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने सिंबोलिक तरीके से लिख दिया अपनी रिएक्शन को, इसको बोलते हैं स्केलेटल रिएक्शन. स्केलेटल रिएक्शन या इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, स्केलेटल रिएक्शन या स्केलेटल इक्वेशन. अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या होना चाहिए कि इसको रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए. और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बहुत ही सिंपल से मेथड है. ऑल द छोटी छोटी क्लासेस से स्टार्ट कर दिए जाते हैं डिफरेंट मेथड. मैं यहां पर इन सभी टॉपिक्स को कवर करूंगा, लेकिन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इसकी जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, नेक्स्ट क्लास की वीडियो आएगी इमीडिएटली आफ्टर दिस, वहां पर मैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं. यहां पर हम लोग इन पॉइंट्स को कवर करते जाएंगे और अगली क्लास के अंदर हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को लेकर काफी डिटेल समझेंगे. डिफरेंट ट्रिक्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जहां से हर टाइप के क्वेश्चन आपके बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के होने लग जाएंगे. तो ये अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूं तो सबसे पहला इसमें पॉइंट बताया जाता है कि जो भी फॉर्म आपको दी है, इधर इट इज एलिमेंटल फॉर्म और मॉलिकुलर फॉर्म, इधर इट इज एलिमेंटल फॉर्म और मॉलिकुलर फॉर्म, आप सबसे पहले इसको एक बॉक्स में लिख लें. बॉक्स में लिखते इसलिए हैं क्योंकि वी कैन नॉट चेंज. इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 और 3 और वट एवर वैल्यू, हम यहां पर या यहां पर या यहां पर कुछ नहीं लिख सकते. हमेशा हम लोगों को ये जो मैं डॉट्स लगा रहा हूं, यहां पर ही हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में स्टोइकोमेट्रिक क्रिएट करनी पड़ती है. यानी यहां पर हम लोग अपने नंबर्स को लिखकर ही बैलेंस कर सकते हैं. यहां पर कुछ वैल्यू लिखूंगा या इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, होल थ्राइस कर दूंगा, ऐसा कुछ भी अलाउड केमिस्ट्री में नहीं होता. इसलिए ये नंबर्स को हम देखते हैं, ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट का पार्ट होता है एंड दिस इज द प्रोडक्ट पार्ट. द नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज एटम शुड बी इक्वल टू बोथ द साइड, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए. मैग्नीशियम वन मैग्नीशियम वन, यानी ये तो सही है. ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन टू. अब ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मैंने सपोज करिए यहां पर 2 लिखा. जैसे मैंने बताया कि मैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के ऊपर डिटेल बढ़िया सी वीडियो 10th सीबीएसई को सोचकर ही बनाऊंगा, तो उसकी चिंता मत करिए. यहां पर जैसे ही 2 लिखा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन मैग्नीशियम यहां पर 2 आ गया. अभी मैग्नीशियम यहां 1 है. सिमिलरली अगर मैं यहां पर 2 लिख दे रहा हूं तो नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. तो इस फॉर्म को हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो किसी भी केमिकल प्रोसेस को, केमिकल चेंज को हम इन स्टेप्स के ऊपर अगर समझना शुरू करेंगे तो हमारी जो टॉपिक की क्लैरिटी है, सब्जेक्ट की क्लैरिटी है, वो बहुत ही अच्छे से आना शुरू हो जाएगी और हमारा जो सिलेबस है वो काफी स्मूथ हमारे लिए काम करने लग जाएगा. सो दिस इज योर एक्टिविटी नंबर वन. एक्टिविटी नंबर वन में एक ये वाला पॉइंट काफी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि आप मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब क्यों करते हो या क्लीन क्यों करते हो. इसका पॉइंट मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं. लॉजिक क्या होता है बेटा, नाउ आई एम टेकिंग दिस पॉइंट टू एक्सप्लोर. इस पॉइंट को मैं थोड़ा एक्सप्लोर करके आपको बता रहा हूं कि मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बाय यूजिंग सैंड पेपर. सैंड पेपर को लेकर आप इसको क्लीन क्यों करते हैं? तो इसका लॉजिक बेटा यह है क्योंकि अगर मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही एक्सपोज करके रखा जाए एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन होती है, तो धीरे धीरे अगर हम इसको गर्म ना भी करें, यहां तो हम हीट कर रहे हैं, इसको बर्निंग पे डाल रहे हैं, तो ये प्रोसेस बहुत ही तेजी से हो जा रहा है. लेकिन अगर इसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन भी मिल जाए तो भी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा. तो होता यह है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक कोटिंग आ जाएगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. तो वो अच्छा रहेगा कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ कर लें, क्लीन कर लें सैंड पेपर से, उसके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कर दें. और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जैसे ही रिमूव होगी, मैग्नीशियम प्योर फॉर्म में एक्सपोज होगा और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो यहां पर हम लोगों ने देखा है वो हो पाएगा. तो आई थिंक एक्टिविटी नंबर वन विद ऑल दीज रिस्पेक्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया. अब एक्टिविटी नंबर 2 पर चलते हैं. देखिए एक्टिविटी नंबर 2 में ये बोल रहे हैं
कि एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने डाला लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट के बाद हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस किया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड. तो व्हाट केमिकल चेंजेस विल टेक्स प्लेस, व्हाट वुड बी योर ऑब्जर्वेशन, दिस इज योर एक्टिविटी 1.2. बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है. तो देखिए, सबसे पहले हम इसको पूरे कंसेप्ट को समझ ले रहे हैं केमिकली, तभी हम लोगों को बात पूरी पता चलेगी. लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता होगा, PbNO3 होल ट्वाइस. पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, पोटेशियम आयोडाइड. लेड नाइट्रेट व्हेन कंबाइंड विद पोटेशियम आयोडाइड, इट एक्चुअली फॉर्म येलो कलर प्रेसिपिटेट विद ऑफ लेड आयोडाइड. यानी होना यहां पर यह है बेटा कि जैसे ही आप ये दोनों चीजों को मिक्स करेंगे तो यहां पर प्रेसिपिटेट बन जाएंगे. किस चीज के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे? लेड आयोडाइड के, लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी भी लिखते हैं, ये फॉर्म हो जाएंगे, ये बन जाएंगे. तो अब हमें ऑब्जर्वेशन तो समझ में आ गई कि होने क्या वाला है. अब हमारे पास फिर से वही तीन बातें, चार बातें आती हैं कि सबसे पहले हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखें रिएक्शन की, यानी डिस्क्राइब कैसे करते हैं रिएक्शन को. एक बार फिर से लिखकर देखते हैं कि व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, then it form yellow colored PPT precipitate of lead iodide. तो देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमने लिखी है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए, लेकिन इट इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम. दूसरा मेथड हमारे पास क्या आ गया कि हम वर्ड इक्वेशन लिखें. क्या लिखें? वर्ड इक्वेशन. तो वर्ड इक्वेशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि लेड नाइट्रेट, तो हमने लिखा यहां पर लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद, यानी प्लस लगा दिया, पोटेशियम आयोडाइड. ये लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए. ये है आपके रिएक्टेंट्स, ये क्या है? रिएक्टेंट्स. अब राइट साइड में क्या होने चाहिए? प्रोडक्ट होने चाहिए. तो राइट साइड में हम क्या बोल रहे हैं? फॉर्म लेड आयोडाइड. और साथ में कोई बाई प्रोडक्ट बनता है? फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि बाई प्रोडक्ट इसमें पोटेशियम नाइट्रेट बनता है. यह बनता है. ये क्या होगी बेटा, कई बार क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछता है कि वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना? तो वहां ध्यान रखना है कि कैसे लिखना है. यहां पर ये सब क्या हो गए? ये हो गए आपके प्रोडक्ट. रिएक्टेंट ऑलवेज रिटर्न बिफोर एरो, रिएक्टेंट हमेशा बिफोर एरो लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट हमेशा आफ्टर एरो लिखे जाते हैं. ऑल्दो ये सब बातें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी जब स्मूथली हम स्टार्ट करते हैं किसी सिलेबस को तो हमें बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहां से हमारी नॉलेज बहुत अच्छे लेवल तक ले जाना आसान होता है. अच्छा, इसी इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसी इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है. स्केलेटल इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो हम इन सभी के केमिकल फॉर्मूला और सिंबल्स को यूज करते हैं. जैसे लेड नाइट्रेट आप लोग को पता ही है अब तो कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस. पोटेशियम आयोडाइड यानी KI, गिविंग लेड आयोडाइड यानी PbI2, अलोंग विद पोटेशियम नाइट्रेट, क्योंकि लेड आयोडीन के साथ चला गया तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट. इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इस इक्वेशन को बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन. तो कई बार वो बोलते हैं कि स्केलेटल इक्वेशन लिखो, तो इसका मतलब वहां पर बैलेंस करने के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है कि आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है. बैलेंस इक्वेशन में इसी रिएक्शन को, दिस इज द स्केलेटल रिएक्शन,
इसी रिएक्शन को मैं बैलेंस इक्वेशन की फॉर्म में बनाता हूं। इसके लिए क्या रूल हमें बताए गए हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं अभी, धीरे धीरे एडवांस होता चला जाएगा, बड़ा मजा आने वाला है, तो बिल्कुल चिंता करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं या एलिमेंट्स हैं उन सभी को आप अपने बॉक्स में डाल दें, क्योंकि समझ में आ गया होगा कि वी कैन नॉट राइट हेयर और इन बिटवीन, कुछ भी बीच में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि केमिकल फॉर्मूला आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से, लेड वन। ऑल्दो आप ये टेबल बनाकर लिखकर भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको ऐसा एक टेबल बना लेते हैं यहां पर यहां पर क्या करते हैं वो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, मैं थोड़ा एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, यहां पर वो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स बता देते हैं और थोड़ा सा आगे वो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स लिखकर इसको सॉल्व कराते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश लगता है मुझे। ऑल्दो आप इस तरीके की टेबल को यूज कर सकते हैं, एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर कितना है, राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स का नंबर कितना है, और उसको फिर आप मैथमेटिकली मैनेज करते रहते हैं बाई हिट एंड ट्रायल मेथड, दैट आई विल डिस्कस कंप्लीटली इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो अगला क्लास आने वाला है, वहां बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, और वहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी ट्रिक भी बताऊंगा, जिन बच्चों को बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही उनकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाने वाली है नेक्स्ट क्लास के अंदर। खैर हम लोग थोड़ा सा 10th क्लास के बच्चे हैं तो थोड़ा तो अच्छा सा करना पड़ेगा। तो लेड वन है, लेड वन है, नाइट्रेट यहां पर टू है, नाइट्रेट यहां पर वन है, तो यहां पर मैं इसको टू कर ले रहा हूं। आयोडीन यहां पर टू, यहां पर वन, आयोडीन को हमने टू कर लिया, पोटेशियम टू, पोटेशियम टू, इट मींस नाउ दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा यहां पर एक ऑब्जर्वेशन रही, कई बार एग्जामिनर का इंटरेस्ट सिर्फ ऑब्जर्वेशन का होता है, तो याद रखिए कि पोटेशियम आयोडाइड यानी ये इसके येल्लो प्रेसिपिटेट बने हैं, तो येल्लो प्रेसिपिटेट मैं यहां पर लिख सकता हूं पोटेशियम आयोडाइड को लेकर। सो दिस इज योर एक्टिविटी 1.2, मुझे लगता है पूरी पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया रिलेटेड विद द क्वेश्चंस। अब क्विकली स्टार्ट करते हैं 1.3 को और फिर लास्ट वाले टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे, तो बात करते हैं एक्टिविटी 1.3 में। 1.3 एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं बेटा, ये इन्होंने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है और यहां पर इन्होंने एक कॉक लगा दिया, रबर कॉक लाइक दिस वे, और रबर कॉक के अंदर यहां पर लगा दिया गया है एक ग्लास पाइप। तो ये है आपकी रबर कॉक, ये है आपका ग्लास पाइप, और यहां पर इसको डाल के रखा हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूं H2SO4, और साथ साथ में ये ग्रेन्यूल्स इसमें डाल के रखे हैं, ग्रेन्यूल्स हैं यहां पर जिंक ग्रेन्यूल्स, एंड आस्किंग अबाउट द ऑब्जर्वेशंस। देखिए होता यहां पर ये है, अगर मैं एक जनरल बात करूं कि जिंक के ग्रेन्यूल्स व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर हम सबसे पहला पॉइंट बना रहे हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स, ZN लिख दे रहा हूं, आप पूरा जिंक चाहे तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो लिखी जाती है रिएक्शन की उस हिसाब से अगर लिखें तो जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक ग्रेन्यूल जब रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई, इसी को अगर हम लोग वर्ड रिएक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि भैया जिंक है, जिंक पूरा वर्ड में ही लिखना होगा, सिंबल एक्सेप्ट नहीं करते, जिंक है, इसने रिएक्शन किया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे यहां पर, ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर लिखने वाले हैं, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लिखने वाले हैं। तो ये आपके हो जाएंगे क्या, कौन, रिएक्टेंट। मुझे लगता है अब लॉजिक आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये हैं आपके रिएक्टेंट्स, यहां लिख देते हैं रिएक्टेंट्स। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मैंने जिसे बताया क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और सॉल्ट बन रहा है, तो एक तो आपका जिंक का सल्फेट बनेगा,
जिंक सल्फेट और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गई आपकी वर्ड रिएक्शन। अब इस वर्ड रिएक्शन को किसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही आ गया ना, स्केलेटल रिएक्शन, यानी यहां पर हम सिर्फ सिंबल लिख देंगे, यानी Zn साथ में लिखा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, हमने ये तो रिएक्टेंट लिख लिए, प्रोडक्ट क्या हुआ? जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला है ZnSO4 और साथ में रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन। नाउ आफ्टर दिस वी कैन बैलेंस द रिएक्शन फॉर द स्केलेटल रिएक्शन। लेकिन अगर आप यहां पर चेक कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऑलरेडी बैलेंस है, कभी कभी स्केलेटल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस होती ही है, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर होगी। यहां से रिलेटेड दो तीन ऑब्जर्वेशन पूछते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक तो पॉइंट ये आता है कि जो हाइड्रोजन गैस है, रिमेंबर इट इवॉल्व, क्योंकि ये यहां से जाएगी और यहां से हाइड्रोजन गैस आपको बाहर निकलेगी, लेकिन जब ये निकल रही होगी तो यहां पर एक साउंड क्रिएट हो रही होती है, अगर हम कान लगा के सुनेंगे तो हमें पता चलेगा इट इवॉल्व विद पॉप साउंड, POP, याद रखना इस वर्ड को, पॉप साउंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको किसी गैस के लिए पॉप साउंड वर्ड ऐसा वर्ड मिलता है तो तुरंत आप समझ जाइए ये हाइड्रोजन गैस है। और यहां पर जिंक धीरे धीरे से डिसॉल्व होते हुए भी आपको दिखाई देगा। तो ये एक्टिविटी नंबर 3 के बारे में एक जनरल डिस्कशन था। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि ये तीनों एक्टिविटी से हम लोगों ने क्या सीखा, इसको क्विकली हम रिव्यू कर ले रहे हैं। देखिए, हम ये बोल सकते हैं जो डिफरेंट हमने तीनों एक्टिविटीज करी हैं, वहां पर हम देख रहे हैं जब केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं तो कलर की एक पॉइंट आया था, कलर चेंजेस हो रहे हैं, जो कि हमने लेड आयोडाइड के अंदर देखा था। और हमने क्या ऑब्जर्व किया, हीट भी यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं भी हमें गर्म करना पड़ रहा है, यानी हीट ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास है, यानी हीट चेंज आप कह सकते हैं या हीट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, तो हीट ऑब्जर्वेशन भी आपके पास आ रही है। अभी अभी हमने देखा पॉप साउंड के साथ एक गैस निकलना, यानी गैस इवॉल्व, कोई गैस बाहर निकल सकती है। हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जर्वेशन आपको मिलते रहे यहां पर, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एशेस या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ स्टेट, कहीं लिक्विड यूज किया, कहीं पर सॉलिड यूज किया, कहीं पर गैशियस स्टेट के बारे में बात किया, कहीं पर वाटर के बारे में बात किया, तो डिफरेंट टाइप के स्टेट्स के बारे में भी हम लोगों ने यहां पर कुछ कुछ चेंजेस देखे, जो कि केमिकल चेंजेस हैं, और इनको ठीक ठीक से समझना अपनी एडवांस केमिस्ट्री की तरफ लेकर जाने के लिए बड़ा इजी रहेगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल्स के बारे में, कि क्या क्या केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटेशन हैं और उसको हमने कैसे रिमूव किया, बहुत जल्दी से हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है, अगर मैं लिमिटेशन की बात करता हूं, लिमिटेशन, ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल, लिमिटेशन एंड रिमूवल की बात करता हूं किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, सबसे पहला लिमिटेशन ये है जो अभी तक हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो पहला लिमिटेशन है कि स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नॉर्मली किसी केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस स्टेट है, ये नहीं बताया जाता। इसको रिमूव हमने कैसे किया, ये तो एक लिमिटेशन थी पुरानी। इसको हमने कैसे ठीक किया कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये रिएक्शन लिखी Zn+2HCl गिव राइज टू ZnCl2+H2। तो हमने देखा कि भैया जिंक किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड के लिए एक सिंबल दे दिया गया S। HCl को देखा किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया L। जिंक क्लोराइड अगेन लिक्विड स्टेट में मिल रहा है आपको, तो यहां पर L लिख दिया। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में मिल रहा है, तो यहां पर G हमने लिख दिया। तो बाय दिस वे वी ओवरकम विद द लिमिटेशन ऑफ स्टेट, इस तरीके से हम लिमिटेशन ऑफ स्टेट को खत्म कर पाए, जिसके अंदर मैं आपको बता दे रहा हूं कि लिक्विड के लिए L, गैसियस स्टेट के लिए G,
सॉलिड के लिए एस और कहीं एक्सेस ऑफ वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस यानी ज्यादा पानी, एक्सेस ऑफ वाटर है तो एक्वस एक्यू, ये सिंबल्स को यूज करना शुरू किया गया। ऑल्दो सभी केमिकल रिएक्शन में इन सिंबल्स को यूज करना स्टेट के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं माना जाता, वेयर एवर इट इज नेसेसरी, वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड देन ओनली यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल इफ इट इज नीडेड। इन नॉर्मल कंडीशन नॉर्मली वी डू नॉट यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल इन आर केमिकल रिएक्शन। अच्छा, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा लिमिटेशन है हीट, या फिर मैं बोलूं एनर्जी। हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो केमिकल प्रोसेस होते हैं वो मेनली टू डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक जिसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, और एक वो जिसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक उन केमिकल प्रोसेसेस को बोलते हैं, एक्सोथर्मिक आर दोज केमिकल प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट और एनर्जी। किसी भी फॉर्म में हीट या एनर्जी पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पर हम इस टर्म को यूज करते हैं। या फिर एंडोथर्मिक की अगर मैं बात करूं तो विच इन ये प्रोसेस कौन से होते हैं कि विच टेक्स प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बोल सकते हैं, या कोई और फॉर्म की एनर्जी यहां पर यूज की जा सकती है। इनको हम डिटेल में आगे जब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे इनको काफी एक्सपोज करेंगे, काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका ये एक प्रॉब्लम थी कि हमें किसी केमिकल रिएक्शन को देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। इसके लिए ये सॉल्यूशन दिया गया कि अगर सपोज करते हैं ये आपस में रिएक्शन कर रहा है और ये ए बी बना रहा है, ये एक मैं जनरलाइज रिएक्शन लिख रहा हूं, अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की है, इन्होंने कहा कि लेफ्ट साइड में आप हीट लिख दें, क्या लिख दें, लेफ्ट साइड में हीट लिख दिया जाए, और अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की है, ये रिएक्शन अगर इस कैटेगरी की है, तो आप राइट साइड में हीट मेंशन कर दें। ऑल्दो एडवांस केमिस्ट्री के अंदर तो हम उस हीट की वैल्यू को भी जान लेते हैं और वो वैल्यूज को भी लिख दिया जाता है। तो ये दूसरी मेन लिमिटेशन थी। अब थर्ड लिमिटेशन की बात करते हैं, इसको जल्दी से हटा देते हैं। तो एक लिमिटेशन थी कि हम लोगों को अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो डाइल्यूट है, पानी ज्यादा मिलाना है, कम मिलाना है। अब इसको सॉल्व कैसे किया गया, इसको सॉल्व किया गया बाय यूजिंग एब्रीवेशन लाइक CONC एंड एब्रीवेशन लाइक DIL, CONC फॉर कॉन्सेंट्रेटेड एंड DIL फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी अगर पानी ज्यादा है तो DIL वगैरह लिख सकते हैं, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसको हम लिख सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन के अंदर हम लोग देखें, लाइक वी आर हैविंग ZN प्लस H2SO4, चलो दूसरी इक्वेशन ले लें, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज हो जाएगा, लाइक NaCl एंड H2SO4 वी आर हीटिंग, हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अगर हीट कर रहे हैं तो इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हीट किधर लिखना चाहिए मेरे को, इधर। तो मैंने हीट किया इसको एंड आई एम गेटिंग NaHSO4 अलोंग विद HCl। अभी अगर यहां पर बात करें कि सल्फ्यूरिक एसिड किस नेचर का है, NaCl कैसा है, तो NaCl हम कैसा ले रहे हैं, एक्वस। सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर हमें पता होना चाहिए कि भैया हमने कंसंट्रेटेड लेना है, अगर हम पानी ज्यादा मिला देंगे सल्फ्यूरिक एसिड में तो ये रिएक्शन ठीक से हो नहीं पाएगी। तो बाय दिस वे यू कैन यूज दीज एब्रीवेशंस, बहुत सिंपल सी बात है। फोर्थ लिमिटेशन क्या है, फोर्थ लिमिटेशन है अबाउट कंडीशन ऑफ रिएक्शन। काफी सारी केमिकल रिएक्शन एक स्पेसिफिक कंडीशन में होती है, ऐसा नहीं कि आपने रिएक्टेंट मिलाया हमेशा ही प्रोडक्ट बन गया। लाइक
हमारे पास N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3, ये एक रिएक्शन है वेयर नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसिंग अमोनिया। लेकिन यहां पर इस रिएक्शन को कराने के लिए काफी सारी कैटलिस्ट को यूज करते हैं, कई सारी अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर हमें कैटलिस्ट या कंडीशन अबाउट, हमें अगर प्रेशर लिखना है तो हम ऑन द एरो लिख देंगे, टेम्परेचर के बारे में बताना है तो ऑन द एरो लिख देंगे, कैटलिस्ट के बारे में बताना है तो हम ऑन द एरो लिख देंगे। तो लाइक दिस वे जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मली ऑन द एरो लिखकर बताई जा सकती हैं। इस स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि क्या इसका प्रेशर है क्या है, वो सब आप आगे आगे हम सीखते चले जाएंगे, कुछ ऐसा टेंशन लेने की, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये एक प्रॉब्लम थी और इसको सॉल्व क्या किया गया कि प्रेशर टेम्परेचर कैटलिस्ट वगैरह की जो कंडीशन रिक्वायर्ड है फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन उसको हमने कहां लिखना है। सो दिस इज अबाउट। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पर गैस है तो गैस के लिए आप जी भी लिख सकते हैं और उसकी जगह आप एक अपवर्ड एरो का भी इस्तेमाल आजकल मॉडर्न केमिस्ट्री में किया जा रहा है। सिमिलरली अगर कोई सॉलिड है और सॉलिड है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, सॉलिड कैसा है पीपीटी की फॉर्म में, उस केस में आप डाउनवर्ड एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जिसकी हेल्प से आपको अब कुछ कुछ अंदाजा लगना शुरू हो गया होगा, बेसिक कंसेप्ट आपका डेवलप होने लग जाएगा इस चैप्टर को लेकर, और हम बहुत ही स्मूथली चलने वाले हैं और आपको अच्छे से समझ में आता चलेगा। पूरी केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है और बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई इट इज नीडेड। समटाइम व्हाट हैपेंस एक्चुअली, एक एग्जांपल लेकर हम लोग बात करते हैं। सपोज करते हैं एक वर्ड इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है लाइक हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, सपोज करते हैं ये लिखा है। अब हम लोगों को एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करनी है, तैयार करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड रिएक्शन। तो हाइड्रोजन का सिंबल आपको पता है, हाइड्रोजन इज H2, क्लोरीन का सिंबल भी आपको पता है दैट इज Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी आपको मालूम है HCl। दिस अभी हम जो देख पा रहे हैं इसको हम स्केलेटल रिएक्शन बोलते हैं, इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने वो सब कुछ अच्छे डिटेल से पढ़ा है। अब सबसे पहली मैं बात बता रहा हूं कि व्हाई बैलेंसिंग इज नीडेड, बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए बैलेंसिंग बेटा दो रीजन है, बड़े रीजन है जिसकी वजह से हमें बैलेंस करना ही चाहिए अपनी रिएक्शन को। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन आप बोल सकते हैं। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एकदम सही होता है जनरल केमिकल रिएक्शंस के लिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ बच्चों को याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूं, इसका मतलब होता है द मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ द प्रोडक्ट। एक तो लॉजिक यह है कि आपके पास जो रिएक्टेंट का टोटल मास है किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। और दूसरा लॉजिक इसके पीछे क्या है बेटा, दूसरा लॉजिक है द स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशेंट, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशेंट ऑफ अ रिएक्शन शोज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभी इन दोनों बातों को हम इस छोटी सी केमिकल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करके समझते हैं, ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। देखिए हो क्या रहा है, अगर मैं यहां पर देखता हूं ये जो वैल्यू यहां पर लिखी होती है, लाइक यहां पर 1 लिखा है, अभी स्केलेटल रिएक्शन में यहां 1 लिखा है, यहां 1 लिखा है,
दीज नंबर्स, ये जो नंबर्स होते हैं बेटा, इनको आप किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इफ इट इज बैलेंस, राइट नाउ इट्स नॉट बैलेंस, इफ इट इज बैलेंस, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए ये जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को आप स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशियंट बोलते हैं, अच्छे से याद रखना। और स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशियंट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल को। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे चलकर हम इसमें काफी एक्सप्लोर करेंगे, काफी कुछ इसमें सीखना है हम लोगों को। दूसरा पॉइंट यहां पर हम कह रहे हैं कि मास का, यानी टोटल रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोलर मास सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सपोज करते हैं हाइड्रोजन, अब बेटा हाइड्रोजन को आपको पता होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और सीएल का एटॉमिक सॉरी एटॉमिक मास 35.5 होता है, तो 1 to the 2, सीएल 2 मतलब 35 इंटू 2 मीन 71, और यहां HCl के लिए करता हूं हाइड्रोजन इज 1, क्लोरीन इज 35.5, दैट बिकम्स इक्वल्स टू 36.5, यानी ये वैल्यू 36.5 है और इन दोनों का सम, ये जो टोटल है बेटा इट इज 71 प्लस 2 मीन 73, यानी यहां पर रिएक्टेंट का जो मास है वो ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है और प्रोडक्ट का मास आपको कम दिखाई दे रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम जो पढ़कर आ रहे हैं क्लास 9th के अंदर, वहां हमें क्या सिखाया, वहां हमें बताया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, वायलेट करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन के लिए एकदम हमेशा सही रहना चाहिए। दूसरा, अगर ये बैलेंस नहीं है तो यहां से मिलने वाली इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ मोल की टर्म्स में वो सही नहीं होगी। जैसे यहां पर अभी मैं थोड़ी ना बता सकता हूं कि H2 के कितने मोल्स, Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स, HCl के कितने मोल्स एक्चुअली इस केमिकल रिएक्शन में रिक्वायर्ड है, बट वंस इट इज बैलेंस्ड, अगर ये एक बार बैलेंस हो गई तो फिर हम ये दोनों इंफॉर्मेशन बता भी सकते हैं और ये अपना दोनों के दोनों पॉइंट एकदम क्लियर और करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। अगर इसको बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोजन 2, अगर मेरे को हाइड्रोजन 2 करना है लेफ्ट साइड, क्लोरीन 2 करना है तो ये नंबर मैं चेंज कर दूंगा, ये नंबर अगर यहां पर हम लिख दे रहे हैं 2, नाउ इट इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग आपको समझ में आ रही है, बैलेंस कैसे है, इनको दोनों पॉइंट के साथ हम लोग समझ सकते हैं। वो कैसे, अभी इसकी कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, यहां की कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, यहां की कैलकुलेशन में एक चेंज आ चुका है, नाउ यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2। अगर इस वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 यहां से आया बेटा, ये 2 से अगर आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो देन इट बिकम्स इक्वल्स टू 73। तो यहां आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हो चुका है। इसका मतलब ये लॉजिक अब अप्लाई हम कर सकते हैं और ये लॉजिक बहुत ज्यादा जरूरी भी है। दूसरी बात, अभी दोनों तरफ क्योंकि बैलेंसिंग हो चुकी है तो मैं बोल सकता हूं कि इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन 1 mole ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 1 mole ऑफ क्लोरीन इट इज गिविंग 2 mole ऑफ HCl। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल वाला जो कंसेप्ट है सेकेंड पॉइंट, ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो दीज आर द मेन रीजन व्हाई डू वी नीड अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन जरूरी क्यों है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और 10th लेवल में तो हमेशा ये बोलते हैं कि जो भी आप केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर वो हमेशा बैलेंस ही होनी चाहिए। चलो आगे एक्सप्लोर करते हैं। अब ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट। अब मैं हिट एंड ट्रायल मेथड को पहले यूज करके आपको काफी सारे एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, देन आई विल टेल यू अ ट्रिक टू सॉल्व बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर अब बात करने जा रहे हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लास 10th में ये काफी पॉपुलर मेथड माना जाता है, 9th-10th तक हम लोग ज्यादा इसी को यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में बहुत ही सिंपल सा है, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, आपको ट्रायल्स करते रहने होंगे और धीरे धीरे से आपके आंसर आने शुरू जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, नॉन मेटल या फिर आप मेटल ले लीजिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन का नॉन मेटल या मेटल को आप बैलेंस करेंगे। आफ्टर दिस आपको जाना है ऑक्सीजन के पास, एंड आफ्टर दिस यू हैव टू मूव टू हाइड्रोजन। ये जनरल स्टेप्स रहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के।
और हर बार आपको करना क्या है, अगर आपने यहां पर ये स्टेप कंप्लीट कर लिया, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स ऑक्सीजन, देन अगेन यू हैव टू चेक बैक विद द प्रीवियस वन. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन, अगर आप हाइड्रोजन के पास जा रहे हैं तो वापस आपको दोनों स्टेप पर वापस जाना होगा. इसीलिए थोड़ा टीडियस सा है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस इसके ऊपर हम मास्टरी कर सकते हैं. ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इसको कुछ एग्जांपल के साथ समझना. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल, हमने आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ कराई. ये क्या है बेटा, स्टीम के साथ यानी वाटर वेपर के साथ. तो हम लोगों को मिलेगा Fe3O4 अलोंग विद हाइड्रोजन. एंड आर वर्क इज टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन. हमारा काम है इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना. अब देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर आयरन है मेटल, आप लोग पहचानते होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी तीन ही चीजें हैं. कुछ लोग इसको टेबल बनाकर करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड टेबल बनाए हर एक एलिमेंट का, लेकिन वो बहुत ज्यादा चाइल्डिश मुझे लगता है होता है. हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो सबसे पहले मैंने कहा मेटल या नॉन मेटल को आप देखिए. तो मेटल यहां पर 1 है, यहां पर मेटल आप देख रहे हैं 3 है. आयरन यहां 3, यहां पर 1, तो यहां पर मैंने इसको 3 लगा दिया. याद रखिए आप, ये जो सबस्क्रिप्ट साइड्स हैं यहां आप कुछ नहीं लिख सकते. ठीक है ना, हम लोग कई बार ऐसा भी सजेस्ट किया जाता है कि जो भी रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं आप इनको बॉक्सेस में लिख लें. लेकिन जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो ऐसा सजेशन दिया जाता है कि आप इनको बॉक्सेस में लिखें और यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग हेयर. यहां आपको कुछ नहीं लिखना होता है बैलेंसिंग के समय पर. यू आर अलाउड टू राइट हेयर ओनली, सिर्फ यहां पर आप लिख सकते हैं अपनी बैलेंसिंग पैटर्न के अंदर. तो इसलिए कई बार लोग ऐसा बॉक्स बनाकर भी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं. चलिए, आयरन यहां पर 3 हुआ, आयरन यहां पर 3 हुआ, यानी मेटल या नॉन मेटल, मेटल था, इसको हमने सॉल्व कर लिया. अब हम ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं. ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है. 4 बनाने के लिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 4 बनाने के लिए हम लोग यहां पर 4 लिख ले रहे हैं. तो अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. जब ऑक्सीजन हमने बैलेंस किया तो एक बार फिर से वापस जाकर अपने मेटल को चेक करिए. तो मेटल 3 है, मेटल 3, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ा. ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, कुछ फर्क नहीं पड़ा. अब इसके बाद हम जाएंगे हाइड्रोजन के पास. हाइड्रोजन यहां पर कितना होगा, 4 2 8. हाइड्रोजन यहां पर 2 है, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 8. सो नाउ इट इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन. तो बहुत ही सिंपल है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन को क्रिएट करना. इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड. यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट मुझे याद आ रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन को लेकर, उसको मैं आपको बता दे रहा हूं. देखिए, ये Fe3O4 को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं. तो मेरे को एक पॉइंट याद आ रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. देखिए, जो आयरन है, आयरन इट इज नॉट रिलेटेड विद द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं आपको. आयरन हमारे पास 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है. आप लोगों को पता ही होगा, 2 अलग अलग वेरिएबल वैलेंसी वाला जो कंसेप्ट है, आयरन +2 वैलेंसी को भी शो करता है या ऑक्सीडेशन स्टेट को, और +3 को भी शो करता है. अगर आयरन का ऑक्साइड +2 के हिसाब से सोचे तो आयरन का ऑक्साइड होता है FeO, जिसको आप फेरस ऑक्साइड या आयरन सेकेंड ऑक्साइड भी बोलते हैं. और +3 ऑक्सीडेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो दिस इज द ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe2O3, जिसको आप फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं. दिस इज फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड. IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड. सो व्हाट डज मीन बाय ये Fe3O4 कहां से आया और इसका मतलब क्या है? तो आप ये याद रखिए बेटा कि Fe3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ FeO प्लस Fe2O3. इसको आप याद रखिए कि Fe3O4 FeO और Fe2O3 का एक मिक्सचर है. इसीलिए Fe3O4 को हम लोग आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ Fe3O4. तो Fe3O4 का IUPAC नेम है आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड. आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा. अभी हम आगे चलते हैं विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल एज वेल एज क्वेश्चन. सो यहां पर देखिए, आई हैव रिटन फ्यू इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शंस. सो माय क्वेश्चन इज कि कंप्लीट दिस केमिकल रिएक्शन एज वेल एज बैलेंस. आप इन केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करिए और बैलेंस करिए. मुझे लगता है अभी एक सेकेंड के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें, कुछ समय के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें और इनको अपने आप ट्राई करके देखिए और
इसको स्टार्ट करते हैं हम आगे के सॉल्यूशन को, ठीक है। तो आपने वीडियो को आई थिंक पॉज कर लिया होगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पर अब इसके सॉल्यूशन को हम देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए, यहां से आपको ये सीखने को भी मिलेगा थोड़ा सा कि केमिकल रिएक्शन को बनाते कैसे हैं। तो वो आपको एक एलिमेंट मिलना शुरू हो गया तो केमिस्ट्री आपके लिए एक बड़ा मस्त जैसा सब्जेक्ट बनने लग जाएगा। और कुछ बच्चों को जो डर लगता है वो भी थोड़ा 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 धीरे धीरे से डर जाना शुरू हो जाएगा, तो उसका बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिए यहां पर हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं कि केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कैसे करते हैं और उसके बाद हम बैलेंसेस को कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ चलते रहिए, देखते जाते हैं कि कैसे काम करना है। देखिए नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। एसिड बेस का तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता ही है, ऑल्दो हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा एसिड बेस इन सॉल्ट उसमें हम बहुत डिटेल इसका पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं उसी पर हम कंसंट्रेट करते हैं। एसिड और बेस अगर आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो इससे मेटल निकल के नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट बनने वाला है बेटा, और हाइड्रोजन OH के साथ जाकर वाटर बनाएगा। तो सबसे पहले हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंप्लीट करें। तो कैल्शियम नाइट्रेट CA, अब फॉर्मूले तो आप लोगों को याद ही होंगे, कैल्शियम नाइट्रेट अलोंग विद वाटर। सिमिलरली यहां पर ये एक बेस है NaOH, एक एसिड है, एसिड बेस मिलेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, सोडियम का सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। तो सोडियम सल्फेट का आंसर है बेटा Na2SO4 अलोंग विद वाटर। अब यहां पर देखते हैं ये एक हाइड्रोकार्बन है, कंपाउंड ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन। याद रखिए, पक्का याद रखिए, व्हेन अ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड, व्हेन अ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन कंप्लीटली, व्हेन अ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन कंप्लीटली, इट ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इट ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये फास्फोरस का ऑक्साइड, फास्फोरस का अगर हमने ऑक्सीजन एक्सेस में लिया है तो फास्फोरस का ऑक्साइड होता है बेटा P2O5। तो ये आपका कंप्लीट हो गई रिएक्शन। यहां आप देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जाएगा, सोडियम सल्फेट के साथ जाएगा। तो यहां पर आपको मिलेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और साथ में एल्यूमिनियम, क्योंकि OH के साथ जाने वाला है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहां पर मिलेगा। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यहां पर देखते हैं अगेन, ये मैंने वही वाला एग्जांपल दोबारा से लिया, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये भी बेटा एक हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से बर्न किया जाता है तो ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए सबसे पहले तो हमने ये भी साथ साथ में सीखते जा रहे हैं कि रिएक्शन को कंप्लीट कैसे करना है। ऐसा नहीं कि ये सारे लॉजिक हमेशा ही लगते रहेंगे सभी रिएक्शंस के अंदर, लेकिन धीरे 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 से आपको डिफरेंट लॉजिक समझ में आते रहेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द बैलेंसिंग ऑफ दिस। वही हिट एंड ट्रायल मेथड अभी हम लोग यूज करेंगे, इस मेथड को ही अभी यूज करने वाले हैं, उसके बाद हम अगले मेथड पर जाएंगे। तो देखिए बैलेंस करने के लिए हमने जैसे लॉजिक बताया था, मेटल या नॉन मेटल को आप बैलेंस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ऑक्सीजन को करेंगे, देन हाइड्रोजन को करेंगे। तो यहां पर नॉन मेटल नाइट्रोजन है बेटा और कैल्शियम यहां पर मेटल है, तो कैल्शियम 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2 करने के लिए यहां पर हम लोगों ने 2 लगा लिया, तो अभी नाइट्रोजन भी 2 हो गई, कैल्शियम भी 1 ही है। अब मैं ऑक्सीजन के पास जा रहा हूं, 3 × 6 + 2 = 8, यहां पर है 3 × 6 + 1 = 7, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर 2 लगा दे रहा हूं तो ऑक्सीजन बराबर होगी 2 + 6 = 8, 6 + 2 = 8। अभी मैं हाइड्रोजन के पास जा रहा हूं, 2 + 2 = 4, अगेन हाइड्रोजन, इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। नाउ सी सोडियम, सोडियम यहां पर सोडियम 2 है, यहां पर सोडियम 1 है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। सल्फर को देख रहा हूं, ये एक दूसरा नॉन मेटल आ रहा है मेरे सामने, सल्फर यहां पर 1 है, सल्फर 1 है, इसको मतलब ठीक है। नाइट्रो सोडियम 2, सोडियम 2, अभी ऑक्सीजन देख रहा हूं, 2 = 4 = 6 है, 4 + 1 = 5, यानी यहां से अगर मैं 2 लगा रहा हूं तो ऑक्सीजन भी यहां पर 6 हो जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन यहां पर 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4, इसका मतलब रिएक्शन यहां पर अभी बैलेंस हो चुकी है। बहुत ही आसान सी चीजें होती हैं, टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, मजे से पढ़ते रहना है। देखिए यहां पर बात करते हैं कार्बन 1, अभी ऑक्सीजन के पास जाते हैं, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3 हो गया, तो ऑक्सीजन को इधर बढ़ा लेते हैं। अभी मैंने ऑक्सीजन यहां पर 4 कर लिया, तो ऑक्सीजन यहां पर 4 है, 2 + 1, तो यहां पर 2 लगाने से ऑक्सीजन भी अभी 4 हो गया। अभी हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4, इट मींस रिएक्शन इज बैलेंस। यहां पर बात करते हैं फास्फोरस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो फास्फोरस हो गया 4। अभी ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 5 × 10, तो यहां पर 5 लगाया तो 5 × 10, तो रिएक्शन इज बैलेंस। यहां पर देखते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहां पर 2 है,
एल्यूमिनियम 1 है तो मैंने यहां पर 2 लगाया। अभी देखें सल्फर यहां पर 3 है, सल्फर यहां पर 1 दिखाई दे रहा है तो यहां पर मैंने इसलिए 3 लगाया। अभी और देखते हैं सोडियम यहां पर 1 है, यहां पर 3 2 6 आ गया तो इधर 6 लगाना पड़ेगा। रीचेक करते हैं रिएक्शन को, एल्यूमिनियम 2 सल्फर 3 सोडियम 6 यहां तक ठीक है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखते हैं, ऑक्सीजन काउंट करते हैं बेटा 4 3 12 12 + 6 18 4 3 12 + 6 18 ऑक्सीजन है 18। यहां पर ऑक्सीजन काउंट करते हैं 4 3 12 एंड 3 2 6 6 प्लस कितना हो गया था 12, 6 + 12 = 18 यानी ऑक्सीजन बैलेंस है। अभी हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन है 6 और हाइड्रोजन यहां 3 2 6 इट मींस रिएक्शन हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब यहां पर देखते हैं, देखिए एक हाइड्रोकार्बन वाले रिएक्शन को कंप्लीट करने का एक मेथड बताता हूं, वहां फंसोगे नहीं, बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए यहां सबसे पहले आप ये करिए कि यहां कुछ मत लिखिए, यहां पर इसको बिल्कुल भी मत छेड़िए। एक ये भी तरीका होता है कि आप हाइड्रोकार्बन को मत छेड़िए, बाकी सब बैलेंस करने की, यानी हाइड्रोकार्बन में होना क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन बर्निंग कर रहे हो तो ऑक्सीजन होना है। तो यहां पर ना कई बार हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं और इसको टच नहीं करते। देखिए मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं, अभी मैं इसको बिल्कुल छेड़ नहीं रहा हूं। कार्बन 2 यानी मैं यहां कुछ नहीं लिखने वाला हूं, यहां 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर मैं फिलहाल यूज नहीं करूंगा, अभी इसको मैं रोक के रख रहा हूं। तो कार्बन हो गया 2 बेटा। अभी हाइड्रोजन है 6, हाइड्रोजन 6 बनाने के लिए यहां पर मैंने लगाया 3, हाइड्रोजन 6 हो गया। ऑक्सीजन यहां पर कितना हो गया 4 + 3 = 7 और यहां पर है 2, तो 7 करने के लिए मैं क्या करूं, इसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकता हूं 7/2 O2, तो इसको मैं अभी क्या पढ़ूंगा 7 ऑक्सीजन और इधर 4 + 3 = 7 ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये बैलेंस हो चुकी है। ये भी एक मेथड है बैलेंसिंग का, लेकिन अगर इसको हम सिंपल इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में, जो कि लिखना ही चाहिए उस फॉर्म में लिखते हैं, तो इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, इस 2 को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 2 से मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिख रहा हूं, 2C2H6 + 7O2 give rise to 4CO2 + 6H2O। नाउ यू कैन चेक दिस रिएक्शन इज ऑल्सो बैलेंस। तो दिस इज समटाइम वी यूज दिस टाइप ऑफ लॉजिक ऑल्सो, कि वहां पर हम हाफ नंबर लगा के बाद में हम रिएक्शन को 2, 3 या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी सारे रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए। नाउ आई एम गोइंग टू दिस लास्ट टॉपिक, मैथमेटिकल ट्रिक क्या है। कहीं पर रिएक्शन कई बार बहुत फंस गई यार, हिट एंड ट्रायल कर लिया, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रहा है सॉल्व, एक और तरीका बताता हूं जिससे आप पक्का सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन वी आर कमिंग टू आर मैथमेटिकल ट्रिक टू सॉल्व अ केमिकल रिएक्शन और उसको कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने 2-3 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व किया, आपको काफी कंफर्ट जोन नजर आने लगेगा। तो एक एग्जांपल में ले रहा हूं, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ कुछ चीजें आप याद रखें, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको कुछ कुछ रिएक्शंस भी, यानी सिर्फ बैलेंसिंग पर नहीं, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट राइट भी आपको मिलता रहे चीज। तो नाइट्रोजन यहां ऑक्सीडाइज होकर बेटा बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड अलोंग विद वाटर। तो ये एक जनरल केमिकल रिएक्शन मैंने लिखी और इसको हम हिट एंड ट्रायल से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, वो तो आप अपने आप ट्राई करिए हिट एंड ट्रायल से। तो दूसरा मेथड बता रहा हूं मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर हम जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उनको एज्यूम कर ले रहे हैं, यानी अमोनिया से पहले ए लिख लिया, ऑक्सीजन से पहले बी लिखा, यहां पर मैंने सी लिखा, यहां पर मैंने डी लिखा, यानी ये जो ए बी सी डी को अगर मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट कर पाए तो ये रिएक्शन अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी। तो कैसे करते हैं ये बता रहा हूं। देखिए जितने भी एलिमेंट हैं उसका आप लिस्ट बना लीजिए इस पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन में, जैसे एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट हैं। नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, ए नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए मैंने लिखा ए। राइट हैंड साइड में कितने हैं हमारे पास नाइट्रोजन, सी, तो ए इज इक्वल टू सी मैं यहां पर बोल रहा हूं। जैसे मैथमेटिक्स में बहुत ही सिंपल मेथड है, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए हाइड्रोजन को देख रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 मल्टीप्लाइड बाई ए 3 ए। राइट साइड में हाइड्रोजन देख रहे हैं,
कितने हैं, 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई डी यानी 2D। अब ऑक्सीजन को देख रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई बी यानी 2B। राइट साइड में ऑक्सीजन को देख रहे हैं, 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई सी मतलब सी। एक और भी है ऑक्सीजन, 1 मल्टीप्लाइड बाई डी यानी डी। तो मैंने इसको ऐसे तीन इक्वेशन बना ली, और इन तीनों इक्वेशन को मैं बहुत ही सिंपली सॉल्व कर सकता हूं। कैसे करूंगा देखिए, इनमें आप किसी भी एक नंबर जो कम से कम 2 या 3 रिएक्शन में आ रखा हो, ए बी सी में से आइडेंटिफाई करिए, ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, सी दो जगह पर है, बी एक ही जगह पर है, तो किसी भी ए या सी में से, यानी यहां पर जो ए है ये 2 जगह पर आप देख पा रहे हो, सी को भी आप 2 जगह पर देख पा रहे हो, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा जगह कोई ए बी सी डी में से कुछ मिल रहा है तो उसको आप एज्यूम कर लें, एज्यूम करिए कि ए की वैल्यू 1 है, एज्यूम करते हैं ए इज इक्वल टू 1। अगर मैंने एज्यूम कर लिया कि ए इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू सी है, तो इस केस की वजह से मैं सी इज इक्वल टू भी 1 बोल सकता हूं। इसका मतलब ए और सी की वैल्यू आपके सामने आ गई, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बड़ा अच्छे से कर पाओगे। ए और सी दोनों इसमें मैं ए और सी में निकाल चुका हूं, अब यहां पर रखता हूं ए की वैल्यू, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, ए की वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 2D की वैल्यू हो गई बेटा, 2D इज इक्वल टू हो गया 3, सो आई कैन से डी इज इक्वल टू हो गया 3/2। डी की वैल्यू मेरे को समझ में आ गई। अब यहां पर आ रहा हूं, यहां पर बी की वैल्यू अभी मेरे को नहीं पता, तो मैं लिखूंगा 2B इज इक्वल टू, सी की वैल्यू मेरे को समझ में आ रही है 1, तो सी है 1 प्लस डी की वैल्यू भी मेरे को पता चल रही है 3/2, 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5/2। तो मेरे पास ए बी सी 5/2, और ये तो 2B की वैल्यू है, तो बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 5/4, ये 2 नीचे चला जाएगा ना मल्टीप्लाई होकर, ये तो सबको आता ही होगा। तो मेरे पास बी ए सी और डी सबकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ये सारी वैल्यू इस रिएक्शन में पुट अप करता हूं। तो देखो ए की जगह मैं क्या लिख ले रहा हूं, ए बेटा है 1, तो 1 को तो हम नॉर्मली लिखते नहीं है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं होती। बी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 5/4, बी है 5/4। सी की वैल्यू, सी है 1, अगेन आपकी मर्जी है, 1 लिखना चाहो तो लिखो, वरना छोड़ना चाहो तो, 1 तो हम लिखते नहीं क्योंकि 1 का मल्टीपल कुछ भी वैल्यू से फर्क पड़ता नहीं है। तो डी की वैल्यू आ चुकी है 5/4, तो डी की वैल्यू आ गई यहां पर 5/4। अब ये बताओ बेटा कि इस केमिकल रिएक्शन को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, कि ये नीचे वाला है, मैंने कुछ गलत लिखा, बी की वैल्यू 5/4 है, यहां डी था, डी की वैल्यू बेटा 3, की वैल्यू थोड़ा गलत लिख दिया शायद मैंने, डी की वैल्यू है 3/2, डी की वैल्यू है 3/2। किस नंबर से मैं इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करूं सो दैट ये नीचे वाली वैल्यूज, ये 4 हटाना है, ये 2 हटाना है, तो मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा फाइनली तो सब कुछ ही हट जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करूं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 4NH3 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 5O2, 4 से मल्टीप्लाई किया 4NO, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा ये 2, 3, 2 6, तो 6H2O। आप देख सकते हैं रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो ये एक और बढ़िया सा मेथड है, इसको हम एक दो और रिएक्शन के ऊपर एक्सप्लोर करेंगे सो दैट आप बहुत अच्छे से इसको सीख पाएं। तो कभी बहुत फंस जाओ तो इस मेथड को यूज कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है C6H6 यानी बेंजीन व्हेन ऑक्सीडाइज्ड इट गिव्स, देखो अपने आप सोच सकते हो ये क्या है, एक बेटा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करेंगे फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, ऑलवेज गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो इसको भी हम हिट एंड ट्रायल से तो कर ही सकते हैं, लेकिन इस मेथड से फिर से ट्राई करते हैं। देखिए मैंने क्या किया यहां पर, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए बी सी और डी मैंने यहां पर मेंशन कर लिया। अभी लिस्ट बना रहा हूं कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब कार्बन के बारे में बात करते हैं, कार्बन कितने बेटा, 6A, अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट साइड में कार्बन देखिए कितने हैं, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई सी। यहां से देखिए ये एक इक्वेशन बन गई। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, 6A राइट साइड के हाइड्रोजन को 2D, अभी समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। ऑक्सीजन को देख रहे हैं 2B, राइट साइड में देख रहे हैं 2C प्लस यहां पर भी है 1D, तो ये 3 इक्वेशन बन गई। और इन 3 इक्वेशन को आप क्या करेंगे,
ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो लेट्स बी ए को हम क्या मान ले रहे हैं, एज्यूम कर लो ए को वन आप, ए को ए इज इक्वल टू वन आप एज्यूम कर लीजिए। ए को जैसे आप वन एज्यूम करते हैं तो यहां से आपको सी की वैल्यू मिल जा रही है, सी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वन इज इक्वल टू, तो सी इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, सिक्स। तो देखो एक वैल्यू ये मिल गई, ए की आपको मिल चुकी है। अब यहां पर देखते हैं, यहां से हम देखें तो 2d is equals to मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, 6 multiplied by 1 यानी 6, तो यहां से मैं बोल सकता हूं d is equals to 6 divided by 2 यानी 3, तो यहां से मेरे को d भी मिल गया, a c d मेरे को मिल चुका है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर देखिए 2b is equals to 2c, 2c यानी 6 multiplied by 2 यानी 12, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 3 है, तो दैट बिकम्स इक्वल टू 15, और ये 2 अगर मैं हटा रहा हूं तो b इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2। अभी मेरे पास a b c d सभी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूं, a b c d की वैल्यूज यहां पुटअप करने वाला हूं, तो a की जगह मैं क्या रखूंगा 1, क्योंकि 1 तो आपका मर्जी होता है, b b b की जगह 15 बाई 2, तो यहां पर मैं रख रहा हूं 15 बाई 2, c की जगह क्या रखने वाले हैं 6, और डी की जगह रख रहे हैं बेटा 3। तो ये 2 हटाने के लिए मैं इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इस पूरी रिएक्शन को क्या बन जा रहा है, 2 सी सिक्स एच सिक्स प्लस 15 ओ टू गिव राइज टू, ये हो जाएगा 6 12 सी ओ टू प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 एच टू ओ। सो दिस इज योर बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये मेथड काफी बढ़िया है, इसके ऊपर आप अच्छे से काम करेंगे तो ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वी ऑल नो दैट व्हाई वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वी ऑल नो दैट when a chemical change takes place, तो बेटा होता क्या है उसके अंदर, when chemical changes होते हैं, old bonds, जो पुराने bond होते हैं compound के अंदर, old bonds breaks and न्यू बॉन्ड फॉर्म, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, और नए बॉन्ड बनने की वजह से नए टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं, नई टाइप के एलिमेंट्स बनते हैं, सब्सटेंसेस बनते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, एटम यूज हुए हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पर भी काम करते रहेगा, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आने वाले नहीं है इन अ जनरल केमिकल रिएक्शन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहां से हम बात अपनी स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, और सबसे पहले मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर हम लोग आपके सीबीएसई में जो एनसीईआरटी है एक्टिविटी 1.4 को भी एक्सप्लोर करेंगे, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डज मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है कि व्हेन टू और मोर सेम और डिफरेंट सब्सटेंस और एलिमेंट कंबाइन to form a single product, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में अगर क्लासिफाई कर लें तो हम लोग के बात को समझना बहुत आसान हो जाता है। एक होता है बेटा कॉम्बिनेशन बिटवीन टू, ऐसा लिख देता हूं,
टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से आपका प्रोडक्ट बना है, एक हो सकता है बेटा कॉम्बिनेशन बिटवीन टू सब्सटेंस, या आप कंपाउंड भी बोल सकते हैं, टू कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर वर्ड रहने वाला है, टू कंपाउंड्स। और तीसरा हो सकता है बेटा कि कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आपस में कंबाइन करके कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करके नया सब्सटेंस बना रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई एलिमेंट और सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस को तैयार कर रहे हैं, तो हैं सबके सब बेसिकली एक तरीके के एडिशन हो जाएंगे। दोनों जो भी रिएक्टेंट या दो से ज्यादा जो भी रिएक्टेंट यहां पर इन्वॉल्व रहने वाले हैं, वो आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं। तो दिस इज अ जनरल मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके एग्जाम्पल को हम एक्सप्लोर करते हैं और कैटेगरी में भी साथ साथ में क्लासिफाई करते जाएंगे। इससे पहले हम लोग एक्टिविटी 1.4 को एक्सप्लोर करते हैं और साथ में एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं। देखिए, आपकी जो एक्टिविटी है 1.4, यहां पर कर क्या रहे हैं बेटा कि ये एक बीकर लिया इन लोगों ने। इस बीकर के अंदर, दिस इज अ बीकर, इस बीकर के अंदर यहां पर CaO, जिसको आप क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में इसमें वाटर, यानी वाटर पानी आपने लिया, इन दोनों को मिलाया, और दोनों को मिलाने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन पूछी गई कि भैया इसको, बीकर को आप टच करिए, थोड़ा पानी में यहां ज्यादा दिखा दे रहा हूं लाइक दिस वे। अब आप इस बीकर को टच करिए, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व। तो देखो बेटा, होता यह है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम कंबाइन करता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वाटर के साथ, तो देखिए यहां पर ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, तो आपको समझ में आ गया सेकंड कैटेगरी वाला है, वेयर टू कंपाउंड्स आर कंबाइनिंग टू ईच अदर एंड दे फॉर्म CaOH होल ट्वाइस। बेसिकली ये रिएक्शन इसके अंदर चल रही होती है, इसको आप बोलते हैं क्विक लाइम, और इसका नाम होता है बेटा स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम इसको बोलते हैं। तो स्लैग्ड लाइम तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन आपने ऑब्जर्व क्या किया, यानी जब आप इसको टच कर रहे हैं, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व हीट, यानी आपको गर्म लगेगा। इट मींस इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। यहां पर दो सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, साथ में हीट को इवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को आप एक्सोथर्मिक, कैसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप इसको बोल सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, जब रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं प्रोडक्ट के साथ, वो कुछ हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। यहां पर एक चीज बड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ठीक से नोट डाउन करेंगे, नोट ये करना है, आपको पता होगा कि पहले, आजकल तो डिफरेंट टाइप के आपके पेंट और बहुत सारे समोसम, बहुत सारे टाइप के एपेक्सेस, पता नहीं क्या क्या चीजें पेंटिंग के लिए यूज होने लगी, वॉल पेंटिंग के लिए, वॉल को जब भी आपको दीवारों पर पेंट करना है, लेकिन ये सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव मेथड माना जाता था। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को बाजार से लाते थे, पानी में डिजोल्व करते थे, रात भर उसको पानी में सोक करके रखते थे, जिससे उसका हीट पूरा का पूरा रिलीज हो जाए, और फाइनली हम लोग जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन को हम दीवारों पर पेंट कर देते थे। अब होता यह था बेटा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम को जब आप दीवारों पर पुताई, जैसे जिसको बोलते हैं, वो कर देंगे, तो विद द पासेज ऑफ टाइम, दो तीन दिन के अंदर ही, जो एटमोस्फियर की कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमोस्फियर की, ये कहां से मिली इसको बेटा, एटमोस्फियर से, एटमोस्फियर की कार्बन डाइऑक्साइड स्लैग्ड लाइम से केमिकली रिएक्ट कर जाएगी, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी और साथ में वाटर को रिलीज कर देगी। तो पुताई होने के बाद बेसिकली ये रिएक्शन हो जाया करती थी,
क्योंकि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट विच इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल जिससे ताजमहल बना है, विच इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्चुअली मार्बल, तो एक थिन लेयर ऑफ मार्बल आपकी बन जाती थी और थिन लेयर ऑफ मार्बल बनने की वजह से जो दीवारें हैं वो बोल उठेंगी, मतलब काफी खूबसूरत लगने लगती थी। तो पुताई होने के 2-3 दिन के बाद काफी बढ़िया सी चमक आ जाती थी। तो ये रीजन क्या था कि कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बन जाने की वजह से, थिन लेयर ऑफ मार्बल बन जाएगा और दीवारें बोल उठेंगी, यानी दीवारें अच्छे से सुंदर दिखाई देने लगती थी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा लॉजिक है जो कि काफी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है अलोंग विद दिस योर कॉम्बिनेशन। और याद क्या रखना है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो ज्यादातर कैसी होने वाली है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब कुछ और एग्जाम्पल को मैं लिखूंगा और आपको बताना होगा कि ये एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन में किस कैटेगरी में है, यानी एलिमेंट एलिमेंट है, कंपाउंड कंपाउंड है, या फिर एलिमेंट विद कंपाउंड है, तो दैट यू हैव टू टेल मी। सो हियर आई एम गिविंग यू फ्यू मोर एग्जाम्पल, देखिए लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं 2-2। अब यहां पर आप देखिए ये क्या है, एक कंपाउंड है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये कैसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, वेयर एन एलिमेंट कंबाइंड विद अ मॉलिक्यूल और कंबाइंड विद अ कंपाउंड, समझ में आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके यहां काफी पूछे जाते हैं, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन यहां पर ये क्या है बेटा, ये एलिमेंट है, मैं E लिख दे रहा हूं, यहां पर ये क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट विद एलिमेंट, जहां पर टू एलिमेंट मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस को बना रहे हैं, यहां पर ये कंपाउंड था और ये एलिमेंट, तो किस कॉम्बिनेशन में, रिएक्शन में कॉम्बिनेशन हो रहा है एक्चुअली। जैसे एक और रिएक्शन को हम लिखते हैं C+O2 गिव राइज टू CO2, तो देखिए ये क्या है बेटा, एलिमेंट, ये क्या है, अगेन एलिमेंट, तो एलिमेंट एलिमेंट यहां पर कंबाइन कर रहा है। और एग्जांपल हम देखते हैं H2+O2 गिव राइज टू H2O, तो आप ये तो हमेशा याद रखिए कि रिएक्शन को बैलेंस करना आपके लिए बिल्कुल पक्का पक्का जरूरी है। ये क्या है बेटा, एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इन ये दोनों रिएक्शन कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक, कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको किस तरीके से सोचना है और किस टाइप के प्रोडक्ट वहां पर बन सकते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जैसे ये दोनों एक्सोथर्मिक मैंने आपको बताया रिएक्शन, ये भी अपने आप में एक एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक के काफी और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो हम लोग को समझने हैं और याद रखने हैं। जैसे अगर हम लोग नेचुरल गैस जिसका मेन कंपोनेंट आपके पास बेटा होता है CH4, अगर CH4 को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिया जाए तो ये रिएक्शन वहां पर कैरी फॉरवर्ड होती है, ये रिएक्शन चल रही होती है, CH4+2O2 गिव राइज टू CO2+2H2O, तो यहां पर भी हीट इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जो हम लोग बेटा रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, तो रेस्पिरेशन भी अपने आप में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर या जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहा होता है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट टाइप के जो हम फूड खाते रहते हैं स्टार्च की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, अलग 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 चीजें जो खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है उसमें ग्लूकोज C6H12O6 ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा होता है हमारी बॉडी में, और ऑक्सीजन के साथ ये बर्न हो रहा होता है तो साइमल्टेनियसली ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करता है, साथ में हम लोगों को लाइफ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर सकते हैं, यहां पर मैंने 6 लगाया, यहां पर मैंने 6 लगाया, अब ऑक्सीजन को काउंट करते हैं 6, यहां पर 6 2 12, सो हियर 6, सो दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, रेस्पिरेशन में होने वाली केमिकल प्रोसेस है। अदर अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये जितने भी टाइप के आपके ये जो फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर वगैरह होता है ना बेटा, फॉर्मेशन
ऑफ मैन्योर, यानी आप बेसिकली खाद वगैरह बनाते हैं डिकेइंग चीजों को यूज करके, सब्जी वगैरह के पत्ते वत्तों को, पेड़ों के पत्तों को इकट्ठा कर लेते हैं, एक डंप यार्ड में रख देते हैं और वहां से आप उसका खाद बना लेते हैं, मैन्योर डेवलप कर लेते हैं। तो उस मैन्योर प्रोसेस के अंदर भी बेटा कौन सा प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस चल रहा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट विच यू हैव टू नो रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंक्लूडिंग एक्टिविटी 1.4। और हम लोगों ने यहां पर ये पॉइंट्स अभी तक क्लियर किए हैं और आपको अच्छे से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अंदर हम 4 डिफरेंट एक्टिविटीज को क्विकली रिएक्शन फॉर्मेट में देखेंगे और साथ में उनकी ऑब्जर्वेशन को भी अच्छे से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप लोग ऐसा मान के चलिए ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन। बेसिकली इसको कॉम्बिनेशन का उल्टा मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? रीजन बेटा यह है कि हियर वन सब्सटेंस डिकम्पोज्ड टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, यहां पर एक बड़ा साइज का कंपाउंड होगा, डिकम्पोज होगा और छोटे छोटे दो या तीन प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन का उल्टा मानते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में छोटे छोटे कंपाउंड्स एलिमेंट्स वगैरह मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे थे। यहां पर बड़ा मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटने वाला है, सब्सटेंसेस में टूटने वाला है। तो ये डिकम्पोज होने के हमारे पास तीन अलग अलग पैटर्न है। देयर आर थ्री डिफरेंट वेज बाई विच डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। तीन अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू डिकम्पोजिशन होता है बेटा। एक है यहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अगर आप हीट का इस्तेमाल करें, डायरेक्टली आप किसी सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं थर्मली डिकम्पोज करना, हीट देकर तोड़ देना। दूसरा यहां पर है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है आपने इलेक्ट्रिसिटी का आपने बेसिकली इस्तेमाल किया है अपने सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। और तीसरा यहां पर मेथड है बेटा जिसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन का एक और नाम है इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। यहां पर बेसिकली आप लाइट का इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट आप कह सकते हैं, लाइट का आप बेसिकली यूज करते हैं अपने सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, जो पक्का आपको याद रखना है कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं बेसिकली ऑल दे नीड वन और अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। बेसिकली है क्या बेटा, ये हीट भी एक तरीके की एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी है, और अगर आप लाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो भी एनर्जी है। तो बेसिकली हेयर यू आर यूजिंग एनर्जी फॉर्म, आप किसी ना किसी एनर्जी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी एनर्जी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यूटिलाइज कर रहे हैं किसी ना किसी टाइप की एनर्जी फॉर्म को। इसलिए जितने भी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस होते हैं दे ऑल आर एंडोथर्मिक, क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये सारे प्रोसेस कैसे होने वाले हैं बेटा, एंडो
थर्मिक होने वाले हैं. कैसे होंगे? ऑल दीज आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस. ये सभी प्रोसेसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं. अब हम लोग एक एक एक्टिविटी को क्विकली लेना शुरू करेंगे और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा एक्टिविटी वन पॉइंट फाइव से. अपनी बात स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी 1.5 ने हम लोगों को क्या बताया? बहुत ही सिंपल सी बात इन्होंने बताई है. इन्होंने कहा कि भैया एक टेस्ट ट्यूब आप लें. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट FeSO4 लीजिए और इसको थर्मली यानी इसको आप गर्म करिए हीट देकर. तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल यहां पर बनने वाला है. तो दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. तो किस टाइप के चेंजेस आपको ऑब्जर्व होंगे दैट यू हैव टू टेल. तो देखते हैं. तो देखिए बेटा असली बात यह है कि जो FeSO4 है .7H2O यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ यहां पर एक्चुअली मिलता है. अब आपने सपोज करते हैं कि आपने हीट करना शुरू किया, आपने गर्म करना शुरू किया. हीट करने से क्या होगा? पहले ये 7 वाटर के मॉलिक्यूल यहां से वेपराइज हो जाएंगे और चले जाएंगे. तो यू विल गेट FeSO4. इनिशियली ये होगा और इसका कलर होने वाला है ग्रीन. ऑब्जर्वेशन को आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे. आफ्टर दैट अभी आपको इसको हीट और करते जा रहे हो. हीट करने से ये और ज्यादा डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होने से यहां पर आपको मिलेगा Fe2O3 along with SO2 and SO3. Fe2O3 का कलर होता है रेडिश ब्राउन. रेडिश ब्राउन कलर है और मैं इसको बैलेंस करना चाहूं तो यहां पर मैं 2 लगाकर इसको बैलेंस कर सकता हूं. तो एक्चुअली दिस रिएक्शन यू नीड फॉर द ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रही? ऑब्जर्वेशन में ग्रीन कलर फेरस सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू रेडिश ब्राउन कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड. और यहां पर SO2 जो गैस रिलीज होती है इसका ऑर्डर होता है बर्निंग सल्फर ऑर्डर. इसको आप क्रैकर स्मेल वाली गैस भी बोलते हैं और SO3 गैस यहां पर रिलीज होती है. सो दिस इज योर एक्टिविटी 1.5 से रिलेटेड. अब यहां पर मैं एक और एग्जाम्पल इस कैटेगरी में लेने वाला हूं. आपके CBSE में एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखिए. यहां पर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इसी से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन है. ये एक्टिविटी डायरेक्ट है आपकी बुक के अंदर, इसको आप इनडायरेक्ट जैसा सोच सकते हैं. हमने क्या किया था वहां पर कि कॉपर सल्फेट .5H2O जो कि ब्लू कलर का होता है बेटा, इसको लिया हमने टेस्ट ट्यूब में. क्या किया? हीट किया. किस टेम्परेचर पर किया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया. ऐसा करने से वाटर के फोर मॉलिक्यूल यहां से इवेपोरेट हो गए और इवेपोरेट होने से CuSO4.H2O आपको मिला. तो पहली ऑब्जर्वेशन आपको यह मिली कि यह ब्लू कलर का था. इसको बोलते हैं कुछ लोग इसको ब्लूइश व्हाइट कलर का बोलते हैं, कुछ लोग इसको लाइट ब्लू बोलते हैं. तो मैं यहां पर फिलहाल इसका जो कलर लिख रहा हूं इसको बोलते हैं ब्लूइश की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक कर लो बेटा. ब्लूइश व्हाइट कलर यहां पर. अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको फर्दर हीट करना है. अगर इसको फर्दर हीट करते हैं बेटा 220 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल है ये भी हट जाएगा. ये भी अगर हट गया तो यू विल गेट CuSO4 जिसको आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बोलते हैं. और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है बेटा व्हाइट. कलर कैसा होता है? व्हाइट. एक पॉइंट और मैं साथ में बता दूं, अगर आपने इस फर्दर CuSO4 को भी हीट किया, यहां पर देख ले रहे हैं, अगर आपने फर्दर कॉपर सल्फेट को भी हीट किया विच इज व्हाइट इन कलर, आप फिर इसको हीट करते जा रहे हैं, इस बार टेम्परेचर कितना है? अबाउट 250 से भी ज्यादा आप हीट करते जा रहे हैं, तो इस केस में आपको क्या मिलने वाला है? इस केस में आपको कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा, साथ में आपको SO2 मिलेगा, साथ में आपको SO3 गैस मिलेगा. मैंने पिछली वाली क्लास में रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है ना, बैलेंसिंग मेथड आपको सिखा रखा है. तो आपको अकॉर्डिंगली इस रिएक्शन को बैलेंस करना है और अपना आंसर मेरे को कमेंट में बताना है.
ठीक है, इसको आप बैलेंस करेंगे आपको अच्छे से, वैसे मैं चलो हेल्प कर दे रहा हूं, यहां पर 2 लगाएंगे तो रिएक्शन ऑलमोस्ट बैलेंस हो जा रही है। तो ये है आपकी एक्टिविटी नंबर 1 से रिलेटेड 1 क्वेश्चन, और ये है आपका इसी से रिलेटेड अनदर क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा एक्टिविटी 1.6। सो एक्टिविटी 1.6 में इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने लिया है बेटा एक टेस्ट ट्यूब, चलो ऐसा बना ले रहे हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका लिया है लेड नाइट्रेट सॉलिड, लेड नाइट्रेट सॉलिड लिया है, इसको भी थर्मल डिकम्पोजिशन दिया, यानी बाय यूजिंग हीट इसको भी थर्मल डिकम्पोजिशन में दिया है, और आपसे पूछ रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो देखते हैं बेटा क्या ऑब्जर्वेशन होने वाली है। PbNO3 होल ट्वाइस को अगर आप हीट करते हैं, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, तो लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ में आपको मिलेगा NO2 गैस और अलोंग विद O2 गैस। अब इसका कलर जो लेड नाइट्रेट होता है, याद रखिए इसका कलर होता है बेटा व्हाइट, लेड नाइट्रेट इज व्हाइट इन कलर। NO2 गैस जो यहां से रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, इट विल रिलीज लाइक दिस वे, NO2 गैस आफ्टर सम टाइम यहां से NO2 गैस रिलीज होगी, और NO2 गैस का कलर होता है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, और PbO का कलर होता है बेटा येलो। तो ये कलर आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि कलर के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में पूछते रहते हैं। अब इसको हम बैलेंस कर ले रहे हैं, यहां पर 2 लगाया, यहां पर 2 लगाया, नाइट्रोजन 4, तो यहां पर नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन को काउंट कर ले रहे हैं, 3 2 6 2 12, 2 + 8 + 2, आई थिंक रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। तो दिस इज योर एक्टिविटी 1.6। यहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लेड नाइट्रेट का पढ़ा, एक और देखते हैं बेटा CaCO3। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं, ऑल्दो मैं आपको बता दूं हीट का ये ट्राइंगल भी एक सिंबल मानते हैं, जिसको हम अगर हीट ना लिखें तो ऐसा ट्राइंगल आप ऑन द एरो बनाएंगे तो इसका मतलब ही होता है हीटिंग कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो यू विल गेट CaO + CO2, CaO + CO2, तो ये भी एक तरीके का थर्मल डिकम्पोजिशन है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है Na2CO3 या फिर आपके पास है K2CO3, अगर आप इसको हीट करते हैं, आप इसको सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो याद रखिए नो थर्मल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जामिनेशन में, उसमें पूछा था कि नेम टू मेटल कार्बोनेट्स विच कैन नॉट बी थर्मली डिकम्पोज्ड, आपको 2 ऐसे मेटल कार्बोनेट का नाम बताना था जिनको थर्मली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो आंसर इज सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी में 1.7, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में बात की है। हम क्विकली डायग्राम को समझ ले रहे हैं। यहां पर सपोज करते हैं हमने एक मग जैसी कोई चीज ली या कोई बीकर लिया, जिसके अंदर नीचे 2 होल्स हम लोगों ने क्रिएट कर लिए। यहां पर आपने अच्छे से कॉक फिट किया, क्विकली देखते रहिए क्या क्या करते जा रहे हैं। कॉक फिट करने से यहां पर आपने कनेक्शंस क्रिएट किए, दीज आर द कनेक्शंस, 1 इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अनदर 1 इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो आपको पता होगा कैथोड और एनोड के लिए बताया है। और यहां पर आप लोगों ने कनेक्शन ऊपर दे दिए, ये जगह पर आपने ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यूज किए, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यू आर यूजिंग। अभी क्या किया आपने, यहां पर थोड़ा वाटर को फिल किया, यहां पर वाटर फिल किया, लेकिन ये वाटर के अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया था, यानी वाटर को आपने बेसिकली क्या कर दिया बेटा, एसिडिफाइड कर दिया, एसिडिफाइड आपने वाटर का इस्तेमाल किया। अभी आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, वाटर से भर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, पानी से भर रहे हैं, और टेस्ट ट्यूब को इनके ऊपर ऐसा उल्टा करके रख दे रहे हो, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इस टाइप से आपने टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड फॉर्म में यहां पर रख दिया, दीज आर फिल्ड विद ये पानी, वही एसिडिफाइड वाटर यहां पर रखा हुआ है। अब आपने बैटरी वगैरह से कनेक्शन करके
इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को शुरू कर दिया। व्हाट विल हैपन, देखिए एक नेगेटिव टर्मिनल है एक पॉजिटिव टर्मिनल है, अब यहां पर ना गैसेस स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि वाटर क्या होगा, वाटर यहां पर डिकम्पोज होने से कैसा डिकम्पोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, नाम याद रखेगी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होने से दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिकली, यहां पर जो एनर्जी फॉर्म है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइटिक आप एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू करंट। अब सपोज करते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वाला कनेक्शन है, यहां पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वाला कनेक्शन है, तो इधर की साइड पर ऑक्सीजन कलेक्ट होगा बेटा और इधर की साइड पर हाइड्रोजन का कलेक्शन होगा। और अगर मैं अच्छे से इसकी डायग्राम को शो करना चाहूं तो थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि ये वाला पार्ट थोड़ा कम होगा वॉल्यूम वाइज, यहां पर जगह ज्यादा, यानी हाइड्रोजन आप ज्यादा कलेक्ट कर रहे होंगे, कितनी ज्यादा, ट्वाइस द ऑक्सीजन, रिएक्शन से आप देख सकते हैं, यानी वॉल्यूम या फिर मैं बोलूं अमाउंट यहां पर ऑक्सीजन वर्सेस हाइड्रोजन अगर मैं पूछूंगा तो अगर ऑक्सीजन वन वॉल्यूम आप कलेक्ट कर रहे होंगे तो हाइड्रोजन का टू वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा होगा। और बाई दिस रिएक्शन वी कैन वेरीफाई कि बाई द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वॉटर वी आर गेटिंग टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए आप बुक में अच्छे से डायग्राम को चाहें तो देख सकते हैं कि यहां पर आपको हाइड्रोजन के लिए ज्यादा जगह दिखाई गई होगी और यहां पर थोड़ी कम जगह दिखाई होगी ऑक्सीजन के लिए, वो वॉल्यूम का डिफरेंस होता है, वॉल्यूम का डिफरेंस यहां से रिएक्शन को देखकर आप समझ सकते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब लास्ट वाले पॉइंट पर चल रहे हैं 1.8 पर, 1.8 एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया, एक वॉच ग्लास लिया, ये एक वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास के अंदर या तो इन्होंने रखा सिल्वर क्लोराइड, और मैं इसमें बता सकता हूं एक और एग्जांपल है लेड ब्रोमाइड, और इसको डायरेक्टली एक्सपोज कर दिया सनलाइट से, यानी यहां से सनलाइट इस पर आ रही है, दिस इज सनलाइट, सनलाइट आ रही है, तो होगा क्या, देखिए सनलाइट की वजह से ये रिएक्शन यहां पर शुरू हो जाएगी। अगर आप सनलाइट, जिसको आप फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ये उसका एग्जांपल है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तो यहां पर सिल्वर बेटा अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, वी कैन बैलेंस दिस रिएक्शन। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन वेपर्स रिलीज हो जाएंगी। व्हाट वुड बी योर ऑब्जर्वेशन, सिल्वर क्लोराइड का बेटा कलर होता है व्हाइट, जबकि AgBr का कलर होता है येलो, कलर आप जरूर याद रखिए, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जबकि सिल्वर को हम बोलते हैं सिल्वरी ग्रे, सिल्वरी ग्रे, सिल्वरी ग्रे आपको पाउडर मिलता है सिल्वर का, सिल्वर अलग हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फायदे क्या है, क्या यूजेस हैं, क्यों पढ़ते हैं। देखिए काफी सारे यूजेस हैं इंडस्ट्री के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की जो बैक्टीरिया है वो अलग अलग डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते रहते हैं, जिसके लिए हम बात करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए कोई सब्सटेंस, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहेगा, तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिनको आप थर्मली डिकम्पोज करके एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट से थ्रू मेटलर्जिकल प्रोसेस, जिसमें से सिल्वर काफी इंपॉर्टेंट है जिसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन से ऑप्टेन करते हैं, गोल्ड को आप थर्मल डिकम्पोजिशन से ऑप्टेन कर सकते हैं, प्लेटिनम को आप थर्मल डिकम्पोजिशन से ऑप्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक आपकी अर्थ क्रस्ट में जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है, और अगर मैं इसको हीट कर दे रहा हूं तो ये बन जाएगा ZnO+CO2। तो बेसिकली आपको ZnO थर्मल डिकम्पोजिशन से मिल गया, जो फर्दर रिडक्शन करके, क्या करके, रिडक्शन करने से जिंक ऑक्साइड का अगर हम रिडक्शन कर दें तो फाइनली यू गेट जिंक इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बहुत सारे यूजेस हैं, काफी इंपॉर्टेंट टाइप से इसके यूजेस माने जाते हैं, तो अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, मुझे लगता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है ये एक्सप्लेन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा बेटा कि दो पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखने हैं। एक बात तो ये कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। इसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं अच्छे से, बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। और दूसरी बात यहां पर हम बोल सकते हैं सिमिलरली, अगर मैं यहां मेटल के जगह पर यूज करता हूं वर्ड नॉन मेटल, तो सिमिलरली यहां पर भी आ जाएगा नॉन मेटल। इट मींस आई कैन से मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा किसी सर्टेन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। कौन? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा एक्टिव होगा वो कम वाले को। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी सीरीज के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो यहां पर मैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की बात करता हूं बेटा। बहुत ही सिंपल सी है, याद रखना, आप इसको ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं। जैसे केदार फॉर पोटेशियम, केदारनाथ यानी सोडियम केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ऐसा है। आप ये एक्चुअली ऊपर से नीचे मैं लिख रहा हूं, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती, तो पहले यहां पर लिखा आयरन इसके नीचे है और उसके लिस्ट बनती जा रही है। इसके बाद बेटा कौन सा है? इसके बाद है हाइड्रोजन के बाद मरकरी है, सॉरी हाइड्रोजन के बाद आपके पास कॉपर है, कॉपर के बाद मरकरी है, मरकरी के बाद सिल्वर है, सिल्वर के बाद आप गोल्ड को याद रख सकते हैं। वैसे इसके बीच में प्लेटिनम भी आता है, लेकिन प्लेटिनम की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। तो ये जो सबसे ऊपर लिखा है, ये सबसे ऊपर है और ये सबसे नीचे है, आप ऐसा एज्यूम करके चलेंगे। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ये। और ये बेटा इस सीरीज में लेस या लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो हम लोगों ने लिखा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल मैंने लिया कैल्शियम, और कैल्शियम के रिएक्शन, कैल्शियम के नीचे सपोज करते हैं मैग्नीशियम है या कोई भी नीचे वाला जिंक वगैरह कुछ भी जो उसके नीचे है। तो कैल्शियम अगर मैं ले रहा हूं तो कैल्शियम के नीचे है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का सपोज करते हैं मैंने कोई सॉल्ट लिया लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो व्हेन दीज टू रिएक्ट टूगेदर, तो कैल्शियम कैन डिस्प्लेस दिस मैग्नीशियम, कैल्शियम कैन डिस्प्लेस दिस मैग्नीशियम फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। ये कैसा है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन है। तो प्रोडक्ट में आपको CaCl2 मिल जाएगा और Mg को ये अलग कर देगा, यानी ये अपने आप में एक जनरलाइज सही रिएक्शन मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा उल्टा करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैग्नीशियम रिबन को कैल्शियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में डालता हूं तो बेटा कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैग्नीशियम कैल्शियम के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव मेटल है। तो मोर रिएक्टिव जो मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव को ही डिस्प्लेस करेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? एक यहां पर मैं आपको बात बताता हूं कि हाइड्रोजन को यहां पर जगह क्यों दी गई, यानी हाइड्रोजन, ये तो सब मेटल्स हैं, तो हाइड्रोजन को यहां पर प्लेस क्यों किया गया। लॉजिक ये है कि हाइड्रोजन भी मेटल जैसा बिहेव कर सकता है, इट कैन बिहेव एज मेटल, ये भी मेटल जैसा बिहेव कर सकता है बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करके आपको पता होगा हाइड्रोजन H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यही लॉजिक था जिसकी वजह से हाइड्रोजन को मेटल एक्टिविटी सीरीज में
प्लेस किया गया। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, उसके बाद हम अपनी एक्टिविटीज और काफी सारे एग्जांपल्स पर चलने वाले हैं। एक और बात यह है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, लेड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वे सब के सब मेटल्स किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को एज अ हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा एरिया को मैं रब कर ले रहा हूं, उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, अगर सपोज करते हैं मैं कैल्शियम की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराता हूं, कैल्शियम की रिएक्शन मैंने सपोज कराते हैं HCl के साथ कराई, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यह भी एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि कैल्शियम ने यहां पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। लेकिन अगर मैं कॉपर की रिएक्शन बेटा कराता हूं HCl के साथ और सोचता हूं कि इस टाइप की कोई रिएक्शन हो जाएगी, सो रिमेंबर दिस इज द रॉन्ग रिएक्शन, ये गलत रिएक्शन है, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्या है? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के बाद आ रहा है, तो बात मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं बेटा एक्टिविटी 1.9 के बारे में। एक्टिविटी 1.9 आपके लिए क्या बता रही है? एक्टिविटी 1.9 में यह बताया गया है कि यू आर टेकिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने लिया कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर। अब इसके बाद आपने क्या लिया? यू आर टेकिंग नेल्स, नेल आपको पता है किलो को बोलते हैं, लोहे की किलो को नेल्स बोलते हैं। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंट्रोड्यूसिंग नेल इन दिस सॉल्यूशन, और आपने नेल को बाहर निकालने के लिए इसको किसी धागे वगैरह से बांध लिया, सो दैट आप इसके सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दें अपनी नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और वापिस से बाहर निकालने के लिए एक धागा बांध लिया थोड़ी सी देर के बाद। तो आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट, 20 मिनट के बाद का ऑब्जर्वेशन आपको बताना है कि क्या होगा, यानी जो कील, जो नेल आपने, हाँ नेल को आप ठीक से सैंड पेपर से साफ करके ही डालेंगे, कोई रस्टेड नेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जंग लगी हुई कील का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए आप उसको अगर थोड़ा बहुत है भी तो उसको आप अच्छे से सैंड पेपर से साफ कर लेंगे। क्या होने वाला है यहां पर? कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर। अब यहां रिएक्शन, आयरन आपने डाला यानी आयरन हो गया बेटा Fe, रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ CuSO4, और यहां पर आप देख रहे हैं सीरीज को, आयरन कहां है? कॉपर के बेटा ऊपर है, आयरन इज प्लेस्ड अबव कॉपर, कॉपर से ऊपर रखा है मेटल एक्टिविटी सीरीज ने। इसका मतलब आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी आयरन इस कॉपर की जगह लेने वाला है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? FeSO4 मिल जाएगा, और कॉपर को अलग होना पड़ेगा, तो कॉपर अलग हो जाएगा। ये था सॉलिड, ये था ब्लू कलर का बेटा सॉल्यूशन था। FeSO4 का जो सॉल्यूशन होगा आफ्टर सम टाइम, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व? अब जरा ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है और उस पर आपको ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा यहां पर दो ऑब्जर्वेशन होंगे, इसलिए NCERT में ना जिस तरीके की एक्टिविटीज को लिखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको जस्ट एन एग्जाम्पल मान के, चलो एक क्वेश्चन आएगा टाइप से सोच के छोड़ देते हैं, लेकिन उसको ठीक से थॉट प्रोसेस में जाना जरूरी है, अच्छे से समझना जरूरी है, इसीलिए मैं इस टाइप के टीचिंग स्टाइल को प्रिफर करता हूं। तो होना क्या है बेटा, ये जो आयरन की नेल है जो आपने इसके अंदर डाली थी, और एक आयरन की नेल आपने अपने पास पहले से बचा के रखी थी, तो यहां पर 2 आयरन नेल्स आपके पास हैं, एक वो जो आपने सॉल्यूशन से निकालकर बाहर रखी है और एक जो आपके पास पहले से ही अवेलेबल थी। इन दोनों में फर्क आ चुका होगा, ये जैसी थी वैसी ही रहने वाली ऑब्वियसली, लेकिन इस आयरन की नेल के ऊपर ये जो कॉपर सॉलिड है ये थोड़ा थोड़ा सा एक्युमुलेट हो जाता है, तो आयरन के ऊपर क्या होने वाला है? पिंक मेटल बोलते हैं, पिंक मेटल या कॉपर मेटल आप बोल सकते हैं, कॉपर मेटल डिपोजिटेड, कॉपर मेटल इसके ऊपर थोड़ा सा डिपोजिट होने की वजह से ये थोड़ा ब्राउन कलर की हो जाएगी। किस कलर की हो जाएगी बेटा? ब्राउन कलर की हो जाएगी ये नेल, और ये तो जैसी भी है वैसी सिल्वरी जैसी रहने वाली है। दूसरा, यहां पर आप देखेंगे
सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि जो कॉपर था वो तो नेल्स के ऊपर बैठ गया, इसी की वजह से, इस कॉपर की वजह से ही वो नेल कैसी हुई, ब्राउनिश हुई, पिंक मेटल भी इसको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है बेटा इसकी ऑब्जर्वेशन का कि जो FeSO4 का कलर होता है वो अप्रोक्सीमेटली डल ग्रीन आप बोल सकते हैं, कुछ लोग उसको डर्टी ग्रीन भी बोलते हैं। तो बेसिकली आपको लाइट ग्रीन, डल ग्रीन, डर्टी ग्रीन, ऐसा करके सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सॉल्यूशन पहले किस कलर का था बेटा, ये ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये एक्सपेरिमेंट के बाद इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा आफ्टर रिमूविंग द नेल आउट ऑफ इट, ये हो जाएगा किस कलर का, लाइट ग्रीन या डल ग्रीन या डर्टी ग्रीन कलर का सॉल्यूशन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो आई थिंक ये एक्टिविटी 1.9 आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं जिसमें नॉन मेटल को भी इंक्लूड करेंगे, तो करते रहिए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करते हैं हम लोगों ने जिंक की रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो बताओ बेटा ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली होगी क्योंकि जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे, जैसे मैंने बताया ऊपर से नीचे लिखा हुआ, यानी इसके बाद आप यहां से सोचना शुरू करेंगे, तो इसका मतलब जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को एंड यू विल गेट ZnSO4 अलोंग विथ कॉपर। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करते हैं कि कॉपर की रिएक्शन हुई है किसके साथ, AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्या ये रिएक्शन होगी, डेफिनेटली होगी क्योंकि कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो कॉपर यहां पर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा एंड यू विल गेट कॉपर नाइट्रेट अलोंग विद सिल्वर। रिएक्शन को बैलेंस कर ले रहे हैं, ठीक। अगर सपोज करते हैं हम लोगों ने मैग्नीशियम की रिएक्शन की, मैग्नीशियम की हम लोग रिएक्शन करके देखना चाह रहे हैं किसके साथ करें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, तो आपको पता होगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है इस एक्टिविटी सीरीज में, इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड, तो यहां पर आपको बेटा मिल जाएगा MgSO4 एंड हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। तो मुझे लगता है कि मेटल एक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड जितने चाहे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको एक लॉजिक आ चुका होगा, बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नॉन मेटल के बारे में बताता हूं, तो नॉन मेटल के लिए आप ये सीरीज को याद रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा नॉन मेटल्स आपको अभी नहीं पढ़ने हैं। तो नॉन मेटल में हेलोजन्स को हम लोग पढ़ते हैं, तो हेलोजन में सबसे पहले फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा एक्टिव है बेटा, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद आयोडीन। दिस इज द एक्टिविटी सीरीज फॉर नॉन मेटल विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर जनरल क्वेश्चंस। तो ये वाला आपको ऑर्डर याद रखना है, इसका मतलब फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एज वेल एज ब्रोमीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, आयोडीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को कर पाएगा, फ्लोरीन को नहीं कर पाएगा, ब्रोमीन आयोडीन को कर पाएगा, क्लोरीन और फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोगों के पास सपोज करते हैं NaCl है और हम लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई बेटा फ्लोरीन के साथ, तो क्या फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा, डेफिनेटली करेगा बिकॉज फ्लोरीन इज मोर एक्टिव देन क्लोरीन, तो यहां पर आपको NaF मिलने वाला है अलॉन्ग विद क्लोरीन रिलीज हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पर हम 2 लिख दे रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को रिएक्शन करनी है NaCl प्लस Br2 की, तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगी बेटा, बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ब्रोमीन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो मेक सेंस, लॉजिक क्रिएट हो रहा है। अच्छा अगर मैंने रिएक्शन कराई बेटा, देखो NaBr की रिएक्शन कराई क्लोरीन से कराते हैं, तो क्या होने वाला है, समझ में आ गया होगा, NaCl बनेगा, साथ में इधर लिख दे रहा हूं, और ब्रोमीन रिलीज होगा। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो गई, यहां पर ब्रोमीन बेटा वेपर की फॉर्म में रिलीज होती है, और याद रखना है कि ब्रोमीन की वेपर्स का कलर रेडिश ब्राउन होता है, क्या है, रेडिश ब्राउन, तो आपको अच्छे से याद रखना है। एक और रिएक्शन यहां पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2NaI, क्योंकि मेरे को बैलेंसिंग का पैटर्न समझ में आ गया तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, Cl2 के साथ रिएक्शन हुई है, प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है, 2NaCl, 2NaCl बनेगा, साथ में आयोडीन। अब आयोडीन होता है वॉयलेट या पर्पल कलर का, देखो कलर वगैरह बड़ा जरूरी होते हैं, जहां पर एग्जामिनेशन में बच्चे फंसते हैं ज्यादातर कलर वगैरह की वजह से फंसते हैं, तो इसलिए बताते रहता हूं। तो आयोडीन
सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी, इसलिए आपके इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर का कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल या वायलेट कलर का हो जाएगा। तो मुझे लगता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अब हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आफ्टर दीज टू मैं आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, क्वेश्चंस और देखेंगे, और एट द एंड वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जैसे सॉरी आपको पता ही होगा पहले वाला जो आपने वीडियो देखा होगा, लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं और क्वेश्चन के आंसर अक्सर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां पर कमेंट करके अपने आंसर्स को भी बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है देखते हैं इसका मतलब। इसमें होगा क्या बेटा, सपोज करते हैं हमारे पास एक सब्सटेंस है, ये दूसरा सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस है सपोज करते हैं ए एंड बी, यहां पर है सी एंड डी, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, जैसे आयोनिक, ये भी सॉल्यूशन में है यानी एक्वस में, यहां पर लिख दे रहा हूं बेटा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है। तो यहां पर होगा क्या, इसका एनायन इसके एनायन को रिप्लेस कर देगा, या हम बोले इसका कैटायन इसके कैटायन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये इसकी जगह आ जाएगा तो वापस ये इसकी जगह पर पहुंच जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट, इफ दिस विल हैपन, ए विल कम विद डी एंड सी प्लस बी, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब यहां पर कुछ कैटेगरी है वो उसके बारे में बात करते हैं। सपोज करते हैं ये एक एसिड है, ये एक बेस है, इन दोनों ने रिएक्शन की, तो रिएक्शन के प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। दूसरा यहां पर हो सकता है, सपोज करते हैं ये बेटा एक सॉल्ट है, ये कोई दूसरे नंबर का कोई सॉल्ट है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की और यहां पर कोई प्रेसिपिटेट बना दिया, पीपीटी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, साथ में जो भी सॉल्ट दूसरा कुछ बना सॉल्युबल है, लेकिन एक सॉल्ट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बना, तो इस टाइप की कैटेगरी वाली रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल वाइज एक्सप्लोर करते हैं और बेटर तरीके से समझने के लिए। अब सपोज करते हैं हम लोग एक्टिविटी 1.10 को अब एक्सप्लोर करते हैं। एक्टिविटी 1.10 में क्या बताया बेटा कि यू आर हैविंग अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन रखा है और सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन यू आर इंट्रोड्यूसिंग इनटू इट। व्हाट विल हैपन एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा तो देखते हैं। देखिए बेटा, बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट इन एक्वस मीडियम, मीडियम कैसा है, एक्वस मीडियम, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इसका जो नेगेटिव पार्ट है बेटा वो है क्लोराइड, इसका नेगेटिव पार्ट है सल्फेट, तो ये आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो बेरियम जाएगा आप सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट, और क्लोरीन जाएगा सोडियम के साथ, सो सोडियम क्लोराइड। फॉर्मुलेज हम लोग को पता है, ऑल्दो बेरियम सल्फेट बेटा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बेरियम सल्फेट मिलेगा, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, क्योंकि यहां पर दोनों एनायन आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं कंप्लीटली, साथ साथ में ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। और ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, ऑब्जर्वेशन है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट विल फॉर्म, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट विल फॉर्म। सो दिस इज योर एक्टिविटी 1.10। अब कुछ और एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करते हैं जहां पर ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जैसे हम लोगों ने NaOH लिया, रिएक्शन कराई बेटा HCl के साथ, आपको पता है ये एक बेस है, ये एक एसिड है, ये इसका नेगेटिव पार्ट, ये इसका नेगेटिव पार्ट, अगर ये आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट NaCl, Na विद Cl, HOH, HOH मींस यू विल गेट वाटर। तो है तो बेसिकली ये भी इसी कैटेगरी की रिएक्शन, लेकिन साथ में आप इसको क्या बोलने वाले हैं, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस बोलने वाले हैं। ऑल्दो हम एसिड बेस एंड सॉल्ट जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका
वहां पर हम एसिड बेसिन सॉल्ट चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन, टाइट्रेशन, हर टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आपको काफी कुछ और सीखने को मिलेगा। जैसे हम लोग के पास से सपोज करते हैं कॉपर सल्फेट, देखिए जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होता जाएगा। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन सपोज करते हैं मैंने कराई NH4OH के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा, आप समझ में आ रहा होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है, अमोनियम का सल्फेट बन रहा है, अमोनियम का सल्फेट बन जा रहा है। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनता है, और इसका जो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट होता है वो होता है पेल ब्लू पीपीटी ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर, ये काफी काम की बात बता रहा हूं, अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में NH4OH अगर मैं एक्सेस में ले लूं, बहुत सारा डाल दूं, तो होगा क्या, ये पेल ब्लू प्रेसिपिटेट, व्हाट विल हैपन, दिस पेल ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड विल डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NH4OH एंड फाइनली गिव्स डीप ब्लू सॉल्यूशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको अच्छे से नोट करेंगे, यानी अगर आपने एक्सेस में NH4OH को डाल दिया तो क्या होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था। एक दो और रिएक्शन को देख ले रहे हैं, ऑल दो मुझे लगता है कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा, लेकिन वन और टू अगर हम और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे लिए और अच्छा होगा। और एंड स्क्रीन पर जो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूं, तो उसको आप जरूर से करिए। देखिए एक ये भी बड़ी पॉपुलर सी रिएक्शन मानते हैं, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, यू ट्राई दिस। एक मैं लिखता हूं FeS React with HCl, you complete this reaction, and one more, like we are having lead nitrate along with potassium iodide, इसको आप complete करें, ठीक है, try करा, जल्दी से pause करके try करिए, उसके बाद answer को लिखते हैं। चलो start करते हैं, तो silver chloride बनेगा यहाँ पर बेटा, aqua solution है सभी का, याद रखिए सिल्वर क्लोराइड AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, कैसा बनता है, व्हाइट। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल पक्का अपने दिमाग में रखिए, साथ में मिलेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इस इक्वेशन को एक्सप्लोर करते हैं, यहां पर फेरस का क्लोराइड आपको मिलने वाला है, और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन का सल्फाइड, यानी रोटन एग स्मेल वाली गैस, रिएक्शन को करा मैंने बैलेंस, ठीक है ना, ये रोटन एग वाली स्मेल है H2S, अच्छे से याद रखिए H2S गैस यानी रोटन एग वाली स्मेल। लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो लेड आयोडाइड यहां पर बनने वाला है बेटा, लेड आयोडाइड, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड विद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ यूजेस की बात करूं मैं इंडस्ट्रियल यूजेस में, तो सिल्वर एंड गोल्ड का एक्सट्रैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड को काफी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। हम करते क्या हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं, सिल्वर या गोल्ड का जो भी ओर होगा, मेटल के ओर्स होते हैं, मेटलर्जी में हम पढ़ेंगे, ओर की रिएक्शन हम लोग साइनाइड के साथ करा देते हैं, किसके साथ करा देते हैं बेटा, साइनाइड ग्रुप के साथ करा देते हैं, इसकी डिटेलिंग आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं, मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। साइनाइड के बाद बन जाता है कॉम्प्लेक्स, थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाएगा इससे, यानी सिल्वर या गोल्ड का जो भी मेटल का ओर है नेचर में मिलने वाला, उसकी रिएक्शन साइनाइड से कराइए, साइनाइड के बाद आपको कोई मिलता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन आप जिंक से करा देते हैं, क्योंकि जिंक मेटल एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट की मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, यूज की बात कर रहा हूं, जिंक ऊपर है तो यहां से आपको ये जिंक सिल्वर या फिर गोल्ड को डिस्प्लेस कर देगा,
और इस तरीके से हम लोग बेसिकली साइनाइड मेथड की हेल्प से, ऐसा बोला जाता है, आगे डिटेल पढ़ेंगे, इस मेथड की हेल्प से हम लोग गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो काफी सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज टाइप ऑफ रिएक्शन में अपना लास्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए एक टर्म होती है बेटा जिसको बोलते हैं हम रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। क्योंकि कभी भी हम जब देखते हैं तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो ज्यादातर वहां पर रिडक्शन भी हो रहा होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो कलेक्टिवली हम इसको रिडॉक्स प्रोसेस बोलते हैं। जहां पर इसीलिए एक और टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम हैंड इन हैंड प्रोसेसेस, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर हैंड इन हैंड प्रोसेसेस। कई साइंटिस्ट लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस को आधी रिएक्शन बोलते हैं, सिमिलरली रिडक्शन प्रोसेस को भी आधी रिएक्शन माना जाता है। इसलिए काफी सारी बुक्स में आपको ऐसा टर्मिनोलॉजी मिलेगा कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, लेकिन इसका बहुत बड़ा जो डिटेल हम लोगों को पढ़ना है वो आगे चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर हम ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे इस कंसेप्ट को। यहां पर एज अ टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ना है तो हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बाउंड्री के अंदर ही रहकर पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है बेटा एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी अगर किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो हम बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज हो गया, या वहां से हाइड्रोजन निकल जाए तो हम बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज हो गया। एक और पॉइंट है यहां पर समझने वाला, कभी कभी अगर ऑक्सीजन ना निकले तो एडिशन हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ईएन लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे वर्ड को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो जाना और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 9th में, ऑल्दो 10th में भी एक जगह पर मैं इसको डिटेलिंग में पढ़ाने वाला हूं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जनरल एग्जांपल की बात करेंगे तो मैं थोड़ा याद दिला दूं, सीएल काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस टाइप के कंपाउंड अगर ऐड होते हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस माना जाता है। और अगर मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की बात करूं बेटा, सोडियम है, मैग्नीशियम है, बेसिकली जो मेटल्स होते हैं, कैल्शियम है ना, पोटेशियम है, तो इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रो पॉजिटिव की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब हम रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो रिडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो ठीक इसको उल्टा कर दीजिए, जैसे मैं बोल सकता हूं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा बेटा हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को ऐड करिए, और यहीं पर मैं चलो लिख देता हूं हाइड्रोजन के साथ साथ ही एक वर्ड और लिख देता हूं, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, समझ गए ना, यहां पर मैंने अलग बताया, पॉइंट तो वही है। और या फिर आप क्या देखें, रिमूवल देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का रिमूवल देखिए, या फिर आप क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रिमूवल के बारे में देखिए। अगर इनमें से कुछ भी आपको मिलता है तो वो प्रोसेस हो जाएगा बेटा रिडक्शन का, अभी एग्जांपल से हम अच्छे से क्लियर करके देखेंगे, इनमें से आपको कुछ भी मिल रहा है तो प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन का। एक और मॉडर्न थियरी है जो कि हम एडवांस केमिस्ट्री में काफी यूज करते हैं, उसको भी हम साथ में समझ ले रहे हैं, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझते हैं, ये क्या है,
ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे काफी काम आने वाली है हम लोगों के लिए। इसमें क्या होता है बेटा कि ऑक्सीडेशन उन सभी प्रोसेसेस को बोलेंगे जहां पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन वे सभी केमिकल प्रोसेसेस होंगे जहां पर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो जो भी गेनिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोसेस होंगे मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से वो रिडक्शन होते हैं, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के जितने भी प्रोसेस होंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट वो सभी के सभी प्रोसेस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस माने जाते हैं। तो यहां से हमें एक जनरल मीनिंग तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल में ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ऑक्सीडेशन क्या है क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में क्या है वो भी पता चला, और रिडक्शन क्या है ये भी हमें अच्छे से पता चला। साथ में हम लोग एक और चीज लेकर चलते हैं, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इनको भी समझ लेंगे तो हमें एग्जाम्पल को समझने में और उनको करने में बहुत अच्छा लगेगा, बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करें, यानी दे प्रोवाइड क्या, या तो ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है ना तो दूसरों को ऑक्सीजन देने वाले, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, या तो वो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे या फिर क्या करेंगे रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को, या तो दूसरों में से हाइड्रोजन को हटाएंगे, इनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है आफ्टर कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन रिड्यूसेज इटसेल्फ, खुद को उस समय पर रिड्यूस कर रहा होता है। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। कुछ बेसिक टिट्स एंड बिट्स उठा रहे हैं, जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो उनको वो याद आ जाए, इसीलिए ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट इसको ठीक आप उल्टा कर लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट में प्रोवाइड ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करेंगे ये रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को और ऐड करने की कोशिश करेंगे दूसरों के अंदर किसको हाइड्रोजन को, ठीक है ना। और दूसरी बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन रिड्यूसेस इटसेल्फ, यहां पर हम बोल देंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट जब दूसरों को रिड्यूस कर रहे होंगे तो साथ साथ में खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे। बात यहां पर मुझे लगता है ठीक से समझ में आ गई। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी ले रहे हैं और उस एक्टिविटी के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल से ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ समझने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा एक्टिविटी है आपकी 1.11। जो एनसीईआरटी की एक्टिविटी है वो दिखने से बड़ी सिंपल है लेकिन वो आपको समझने के लिए बहुत बहुत बढ़िया बेस तैयार करती हैं। आप उनको जरूर करना चाहिए आप लोगों को, दिस इज माई पर्सनल एडवाइस टू एवरीवन, ठीक है ना। अच्छा जी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो देखिए वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने एक चाइना डिश ली, चाइना डिश मतलब चाइनीज में नहीं बनती उसका नाम है, चाइना डिश ली। इस चाइना डिश के अंदर इन्होंने कॉपर का पाउडर ले लिया, दिस इज द कॉपर पाउडर। अभी यहां पर इसको ऐसा स्टैंड लगाकर इन्होंने यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन शुरू किया, बर्निंग शुरू करी। कॉपर का जो कलर होता है बेटा इसको कुछ लोग तो बोलते हैं पिंक मेटल, कुछ लोग इसको ब्राउन मेटल बोलते हैं, दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह। आप ब्राउन मेटल ज्यादातर बुक्स में ब्राउन मेटल लिखा होता है तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये गर्म होना शुरू होगा तो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, तो देखिए होगा क्या कि कॉपर आपने सॉलिड रखा है, आपने इसको गर्म करना शुरू किया यानी एयर में ऑक्सीडाइज करना शुरू किया, ऑक्सीडेशन शुरू किया। ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, कॉपर हो जाएगा ऑक्सीडाइज, कॉपर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा CuO, इसको बैलेंस कर ले रहे हैं रिएक्शन को। तो यहां तो था बेटा आपका ब्राउन मेटल,
और यहां पर ये कॉपर ऑक्साइड जो बना है इसका कलर होता है ब्लैक। तो होता यह है कि आफ्टर फ्यू मिनट, 10-12 मिनट या कुछ समय के बाद, ये जो कॉपर आपने रखा है इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कवरिंग दिखाई देने लग जाती है यहां पर, समझ रहे हो? ऊपर ऊपर की लेयर, अंदर से अभी कॉपर ही है ना, ऊपर ऊपर का पहले सरफेस पे ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, तो ऊपर वाली लेयर इसकी ब्लैक हो जाएगी। क्यों हो जाती है ऊपर की लेयर इसकी ब्लैक? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, CuO बनने की वजह से ऊपर का लेयर इसका ब्लैक हो जाएगा। अब हम अगर ये करें कि किसी तरीके से कुछ इस तरीके का हम प्रोसेस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्यूब ली, यहां पर कॉक वगैरह फिट किया, यहां ऐसा कॉक लगाया और यहां पर एक एंट्री डाल दी हमने गैस को आने जाने के लिए, ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने, ये मेटल की ट्यूब है बेटा, ग्लास ट्यूब नहीं है, यहां पर हम लोगों ने अपना CuO रखा, क्या रखा? ब्लैक कलर वाला कॉपर ऑक्साइड रखा। अब इसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन एक साइड से हम लोगों ने इस बार हाइड्रोजन गैस का इनपुट दिया, हाइड्रोजन गैस का इनपुट दिया तो पता चल रहा है कि यहां से वाटर वेपर इवॉल्व हो रही है। अब ये क्या हो रहा है एक्चुअली, तो यहां पर हो ये रहा है कि CuO व्हेन रिएक्ट विद H2 ऑन हीटिंग इट इज गिविंग कॉपर एंड वाटर वेपर, यानी जो ब्लैक कलर था इसका, ब्लैक कलर का CuO आपके पास था, ये धीरे 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 वापस, धीरे 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 आफ्टर सम टाइम क्या होने वाला है, ये वापस ब्राउन मेटल बन जाएगा, है ना? बढ़िया, वापस क्या हो गया बेटा? ब्राउन मेटल बन गया। तो देखा जाए पहले ऑक्सीडेशन की वजह से कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ और ब्लैक कलर का CuO बना। अभी CuO का रिडक्शन हुआ, क्या हुआ यहां पर रिडक्शन, अभी समझते हैं इसको कैसे रिडक्शन हुआ, तो वापस आपको अपना कॉपर मेटल या पिंक मेटल या फिर ब्राउन मेटल वापस मिल गया। देखिए यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था और हम लोग जानते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, लॉजिक है। और यहां पर आपने क्या देखा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखा, ये ऑक्सीजन चला गया ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को यहां से हटा दिया, यानी हाइड्रोजन को आप क्या बोल सकते हैं यहां पर, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको एजेंट के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए CuO के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, CuO के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसका मतलब इसका तो हुआ रिडक्शन, क्या हुआ इसका, रिडक्शन। अब इस ऑक्सीजन को रिमूव किसने किया, हाइड्रोजन ने किया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को अपने पास बुलाया और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हुई, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बेटा क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ बेटा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। लॉजिक समझ में आया, क्योंकि हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन को गेन करके वाटर बना रहा है और CuO ऑक्सीजन को छोड़कर कॉपर बना रहा है, इसलिए ये वाला जो प्रोसेस हुआ CuO से कॉपर बनने वाला ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ, H2 से H2O बनने वाला प्रोसेस कैसा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। सो दिस इज योर एक्टिविटी 1.11। अब कुछ और तीन चार में एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हम लोगों के पास बेटा, इसी वाले एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं Fe2O3 के साथ, इनिशियली थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, इनिशियली अभी बात कर रहा हूं, होगा क्या कि ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के पास आएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और आयरन अलग हो जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा, मेटल एक्टिविटी सीरीज जो पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी वहां से आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही होगी, सिंस एल्यूमिनियम इज मोर एक्टिव मेटल देन आयरन। अब ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं इसको बैलेंस कर ले रहा हूं, बैलेंस करने के लिए यहां पर लगाया 2
आयरन है क्योंकि 2, एल्यूमिनियम है 2, तो ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। ये रिएक्शन बेटा हाईली एक्सोथर्मिक है, कैसी है ये, यानी यहां पर बहुत सारी हीट पैदा होने वाली है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेगा। ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो एक बार आपके यहां एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इस रिएक्शन में जो आयरन है वो किस स्टेट में मिलता है, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है कि आयरन यहां पर मोल्टन स्टेट में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इस समय पर, आयरन यहां पर मोल्टन स्टेट में मिलता है और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग थर्माइट वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरीके की थर्माइट वेल्डिंग की रिएक्शन भी मानी जाती है। कहीं कहीं आयरन के बड़े बड़े गार्टर्स को जोड़ने के लिए, आयरन का कहीं कहीं जगह ऐसा होता है कि वहां पर आप लोग क्या नहीं कर सकते, आप जो जनरल होती है आयरन को जोड़ने के जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो कभी कभी आपको इस टाइप की रिएक्शंस को भी आयरन के जॉइंट्स को जोड़ने के लिए, बड़े हैवी जहां पर गार्टर्स हैं वहां पर आयरन को फिक्स करने के लिए इस तरीके के वेल्डिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहां पर आप जनरलाइज वेल्डिंग नहीं कर सकते या वो इतनी ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते, यानी उतनी ज्यादा वो यूजेबल नहीं है उस पर्पस के लिए। ठीक, तो इसको हम थर्माइट वेल्डिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो ये तो इस रिएक्शन की मैंने इंपॉर्टेंस बताई, अब हम अपनी बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिसाब से। यहां देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो चुका है बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, यानी एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को गेन किया। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। आयरन से ऑक्सीजन निकलकर चला गया, आयरन से यहां देख सकते हो आयरन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन। अब आगे जरा बात करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। जिस सब्सटेंस या एलिमेंट का किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ, तो उसका केमिकल बिहेवियर कैसा होगा, केमिकल बिहेवियर कैसा होगा, याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इस केमिकल रिएक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, तो मैं बोलूंगा रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर कौन है, एल्यूमिनियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ दिस रिएक्शन। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, वापिस जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, कि रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करें, रिड्यूस यानी इसको रिड्यूस करा, और साइमल्टेनियसली खुद को ऑक्सीडाइज करें, तो देख रहे हो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, लॉजिक क्लियर हुआ। और अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो यहां पर बेटा ये जो Fe2O3 है इसका बिहेवियर यहां लिख देते हैं, ये है यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करें और खुद को साइमल्टेनियसली रिड्यूस करते हैं। तो इस हिसाब से अगर एक लिस्ट बना ली जाए कि भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन का कौन है, विच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ दिस रिएक्शन, देन आई विल टेल यू Fe2O3। विच वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ दिस रिएक्शन, आई विल से एल्यूमिनियम। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ एल्यूमिनियम का। रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन हुआ Fe2O3 का। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी हम थोड़ी सी बातें यहां पर कर ले रहे हैं। देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और Na+ में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ये तो मेटल है, इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, 281, ये क्या है, 28, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना जरूरी है, क्योंकि ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन, प्रोसेस कैसा हो गया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। मेक सेंस, लॉजिक क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है Cl, इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये Cl- बन रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो भी प्रोसेस आएगा वो प्रोसेस कैसा होगा, वो प्रोसेस होगा रिडक्शन का प्रोसेस। ठीक है ना, आपको एंड में काफी सारे क्वेश्चंस में देने वाला हूं, सबसे लास्ट में जहां पर मेरा वीडियो एंड होता है मैं अक्सर क्वेश्चंस देता हूं,
उनके आंसर आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। तो लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करके ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के और सारे रिएक्शंस को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। नाउ आई एम टेकिंग माय नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोरोजन। सो टॉपिक है बेटा कोरोजन। कोरोजन क्या है? कोरोजन एक प्रोसेस है ईटिंग ऑफ मेटल का। ईटिंग, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में बोलता हूं तो ईटिंग ऑफ मेटल है, मेटल को खाने का एक तरीका है। किसके थ्रू? ईटिंग ऑफ मेटल बाई एटमोस्फेयरिक कंडीशन। एटमोस्फेयर की जो कंडीशन है इंक्लूडिंग जिसमें आपकी गैसेस आएंगी और वाटर वेपर आएगा, टेम्परेचर आएगा, तो ये सारी चीजों की वजह से जो मेटल को खराब करने के प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्साइड फॉर्म हो जाएंगे, सल्फाइड मेटल के बन सकते हैं, कार्बोनेट्स बन सकते हैं मेटल के, तो डिफरेंट टाइप के मेटल को प्रॉब्लम जो आ जाती है जिसकी वजह से मेटल खराब होने लगता है। जैसे आपने काफी पॉपुलरली देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि आयरन के अंदर रस्टिंग हो जाना, कॉपर का ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाना, सिल्वर ब्लैक हो जाना, जिसकी वजह से अगर हम देखें अपने चारों तरफ अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारे आयरन के ऐसे आर्टिकल्स हैं जो साल भर में या दो चार पांच साल में खराब होते रहते हैं पूरी, जो इकोनॉमी के हिसाब से काफी नुकसानदायक है। जितनी कार्स हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप की रस्टिंग होती रहती है, बड़े बड़े जो पानी के जहाज हैं वहां रस्टिंग होती रहती है, आपके हाउस होल्ड के काफी सारे ऐसे आर्टिकल हैं जहां पर आप आयरन को इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं, सिल्वर का यूज करते हैं, तो वो विद द पासेज ऑफ टाइम वो नुकसान होते रहता है। उन सब चीजों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। जैसे अगर आयरन की मैं बात करूं, आयरन में वर्ड यूज करते हैं रस्टिंग। रस्टिंग आप लोगों को काफी पॉपुलर वर्ड लगता होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन इसको बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करूं तो आयरन बेटा जब वो मॉइस्चर और वाटर ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है और साथ में ये मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है, ये कहां से मिल रही है आपको? ये एयर से मिल रही है। एयर में नॉर्मली मॉइस्चर और ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना? थोड़ा मौसम चेंज होता रहा, गर्म सर्द जैसा जिसको बोलते हैं, तो यू विल गेट Fe2O3.XH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन। ये आयरन के रस्टिंग का फॉर्मूला होता है। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करना चाहूं तो यहां पर 3/2 लिख दे रहा हूं, यहां पर आयरन के लिए 2 लिख दे रहा हूं, 3/2 O2, और यहां पर X लिख दिया। सो दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर केमिकली हम लोग समझ रहे हैं। तो आयरन अगर रस्टिंग हो जाती है तो ये थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट बन जाती है ना, रेडिश ब्राउन कलर की। ओरिजिनल आयरन तो काफी सिल्वरी सा, काफी चमकदार होता है। अगर मैं बात करता हूं सिल्वर की, यानी सिल्वर कैसे कैसे करके कोरोजन में चला जाएगा, सिल्वर को कैसे नुकसान होता है, तो बेटा एटमॉस्फेयर में मिलने वाली जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, पॉल्यूशन की वजह से मिलती है काफी सारी जगह, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, ये सिल्वर को सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है, सिल्वर को सल्फाइड में कन्वर्ट कर देगा एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करा देगा। तो ये सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से सिल्वर में ब्लैक कलर आ जाएगा, तो सिल्वर ब्लैकिश हो जाएगा, यानी सिल्वर का कोरोजन हो गया, सिल्वर को नुकसान पहुंच गया। सिमिलरली एक और काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है, उसमें कॉपर के अंदर एटमोस्फेयर में मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, दुनिया भर की चीजें जो भी आपको एटमॉस्फेयर के अंदर मिलती हैं, ये सब मिलजुल कर कॉपर को नुकसान पहुंचाते हैं। और कॉपर को बेसिकली CuCO3.CuOH2, जिसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका कलर होता है बेटा ग्रीन, तो ग्रीन कलर की रस्ट आप इसको बोल सकते हैं। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दो बार कॉपर आया तो मैंने यहां पर 2 लगा दिया, कार्बन यहां पर 1 तो 1 ही रहने दिया, हाइड्रोजन यहां पर 2 बार आया, हाइड्रोजन 2 रहने दिया, ऑक्सीजन मेरे पास 2, 3, 4, 5 है, 3+2, 5, तो दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ये काफी, ये तीनों की तीनों रिएक्शन पॉपुलर रिएक्शन मानी जाती है जहां पर हम लोग कोरोजन की बात करते हैं। तो कैसे आयरन खराब हो जाता है, कैसे सिल्वर खराब हो जाता है, कैसे कॉपर खराब हो जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने यहां पर बात की। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि हाउ
हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, क्योंकि आयरन से होने वाला नुकसान कंट्री वाइज ज्यादा मानते हैं, तो सबसे ज्यादा रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो इसके काफी जनरलाइज से पॉइंट हैं, वैसे कॉमन सेंस से काफी सारे बच्चों को पता भी होगा कि क्या क्या करके हम आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं। जैसे आप ऑयलिंग कर दीजिए, ऑयल से कवर करके देख, बेसिक लॉजिक यही है कि आयरन को एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेरिक एयर से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से दूर रखना है भैया, तो ऑयलिंग कर दीजिए आप, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगा के रखिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पेंट कर लीजिए अपने आर्टिकल के ऊपर, है ना, पेंट वगैरह करके, जैसे घर के ग्रिल्स वगैरह होते हैं वहां पर हम पेंट कर देते हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। देखिए गैल्वेनाइजेशन को शॉर्ट में बता रहा हूं क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन, या फिर किसी दूसरे मेटल के ऊपर भी जिंक की कोटिंग करके भी हम रस्टिंग ऑफ आयरन को रोक सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो करोजन को लेकर जितना आप लोगों को समझना था इस एट दिस पर्टिकुलर लेवल, ये काफी अच्छे से हमारा कवर हो गया। अब क्विकली लास्ट टॉपिक हम देखते हैं, रेंसिडिटी। बेटा बात कर रहे हैं रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी होती क्या है, रेंसिडिटी बेसिकली होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, या फिर फैट बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट ड्यू टू विच बैड स्मेल आ जाना, या फिर बैड टेस्ट आ जाना, ठीक है ना, इनटू द फूड, खाने के अंदर या खाने वाली चीजों में बैड स्मेल या बैड टेस्ट का पैदा होना ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट, इसी को हम बोलते हैं बेटा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का इतना ही मतलब होता है, और होता ही इसलिए है कि अगर हमारे पास ऑयल या फैट है किसी फूड के अंदर, डिफरेंट टाइप के खाने हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज होकर ये क्या करेंगे, ये बैड टेस्ट या फिर हम कहें बैड स्मेल पैदा कर देंगे आपके खाने के अंदर, और इसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। देखिए हाउ टू स्टॉप इसको, इस रोका कैसे जाए, रेंसिडिटी को रोका कैसे जाए, तो कुछ तीन चार प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। जैसे आजकल आपने देखे होंगे डिफरेंट चिप्स के जो पैकिंग आती है, टेट्रा पैक्स आते हैं जूस के, तो वहां पर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इनर्ट है। इनर्ट कैसे है, क्योंकि इट स्टॉप द ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन में सपोर्ट ही नहीं करती, नाइट्रोजन तो इनर्ट नेचर की गैस मानी जाती है। और आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो जिस समय पर आप खाने को पैक वगैरह करते हैं। घरों के अंदर रेफ्रिजरेशन किया जाता है, रेफ्रिजरेशन करके आप ऑक्सीडेशन की स्पीड को रोक सकते हैं। यानी बेसिकली हमारा टारगेट है कि हम इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को मिनिमाइज कर दें या जितना चाहें उतना कम कर दें, उसी हिसाब से हम रेंसिडिटी को अपने यहां अलग अलग तरीके से, इंडस्ट्री वाले कुछ अलग मेथड हैं और घरों के अंदर यूज करने वाले रेंसिडिटी के कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इसके बाद आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन मिल रहा है और आप उस क्वेश्चन को आप लगातार देखते रहिए और उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन को देखने के बाद, उसको सॉल्व करने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं उसके आंसर दे रहा हूं, उस आंसर को आपने चेक करिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कैसा लग रहा है और आगे क्या आपको पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।